हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेक्चर सीरीज पर मैं लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मैथमेटिकल आईसी है, गणितीय ऑपरेशन करने वाली युक्ति है। तो अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो इसमें हमने अभी तक एडर और सब्ट्रैक्टर तो देख लिया था स्टूडेंट्स, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट गणितीय ऑपरेशन अवकलन और समाकलन अभी हमने नहीं देखा था। तो सबसे पहले आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर एंड ऑपम एज ए इंटीग्रेटर। यहां से ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चंस रेज होते हैं और इस टॉपिक को पहले स्टूडेंट्स जनरल बातें आप समझेंगे कि कैसे डिफरेंशिएटर वर्क करता है और डिफरेंशिएटर का आउटपुट क्यों इनपुट के डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है, राइट। तो फर्स्ट गिव द हेडिंग ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर। सबसे पहले आप हेडिंग डालें ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर। ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर पर सबसे पहले इस बात को भी समझना, नॉर्मल रेजिस्टेंस को यूज करके, नॉर्मल रेजिस्टेंस को यूज करके हम अवकलन और समाकलन जैसी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। इसके लिए हमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की जरूरत होगी। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स या तो मुझे इंडक्टर यूज करना होगा या तो कैपेसिटर। और आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हर सब्जेक्ट में इस एप्लीकेशन को मैं बताते हुए चल रहा हूं, इंडक्टर एक बल्की मॉडल है। सो दैट्स वाई जनरली जो प्रेफर्ड मॉडल है हम लोग यहां पर कैपेसिटर के साथ डिजाइनिंग करेंगे। अगर मैं कैपेसिटर को ऑपम के साथ सीरीज रजिस्टर के को रिप्लेस करके बनाऊं तो उस समय मेरे पास वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या बन जाता है, ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर। तो ऑपम एज ए, अगर मैं डिफरेंशिएटर की बात करूं तो ऑपम एज ए डिफरेंशिएटर पर यहां आप फिगर को जरा ध्यान से नोटिस करें, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिस पर यहां से आउटपुट वोल्टेज में वी नॉट देख रहा हूं स्टूडेंट्स, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। देखो यहां से आज आपको प्रैक्टिकली फील होगा कैसे आप अवकलन परफॉर्म करते हो, कैसे आप समाकलन परफॉर्म करते हो ऑपम को यूज करके, राइट। पहले आपको फिगर को जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ये माइनस है ये प्लस है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सिंपल सा मतलब है नॉन इन्वर्टिंग का ग्राउंड होना, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है। और इनपुट कहां अप्लाई है स्टूडेंट्स, इस बार इनपुट अप्लाई है इनवर्टिंग वाली पिन पर, और इनवर्टिंग पर इस बार आपने क्या लगा रखा है, कैपेसिटर। इनवर्टिंग पर एक कैपेसिटर आपने लगा रखा है। अब फीडबैक पर सेम जैसे पहले हम लोग रजिस्टर यूज कर रहे थे वैसे ही फीडबैक पर यहां एक रजिस्टर है। तो ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखें, नॉन इनवर्टिंग को आपने ग्राउंड कर दिया है और इन्वर्टिंग वाले पर जहां सीरीज में एक रजिस्टर लगाते थे यहां रजिस्टर ना लगाकर इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया है, तब आउटपुट जो बनेगा वो इनपुट का अवकलन बनेगा। इस बात को हमें देखना है। सबसे पहले फीडबैक अभी भी कैसा है स्टूडेंट्स, निगेटिव फीडबैक, राइट। दूसरा, अगर मैं आदर्श ऑपम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है RI बराबर अनंत होना चाहिए, EOL बराबर भी अनंत होना चाहिए। आदर्श ऑपम के अंदर आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर है जिसकी प्रॉपर्टी है इनपुट रेजिस्टेंस का अनंत होना, ओपन लूप गेन का अनंत होना। यहां निगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी वैलिड होगा। तो मैं एक एक करके बातें स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट्स कि यहां पर RI का मतलब क्या है, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब आप सभी जानते हो, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब है इनपुट पर बनने वाला विभवांतर डिवाइड बाय इनपुट की धारा। अब आप अगर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है इनपुट करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए, जीरो। अंश बटे हर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, अगर यह डिनोमिनेटर शून्य हो जाता है तो इसका मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत बनेगी। और अगर आई ऑफ आई को मैं जीरो कह रहा हूं, इसका मतलब ऑपम के जो टर्मिनल हैं,
ये जो इंटरनल टर्मिनल है इसके अंदर कोई धारा नहीं जाती है। कोई धारा नहीं जाने का मतलब है सबसे पहले मैं यहां पर इनपुट करंट की वैल्यू 0 एम्पियर टर्मिनल्स पर दिखा सकता हूं। ये सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज की। दूसरा, अब मैं अगर आपसे बोलूं सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे अब स्टूडेंट सेकंड पॉइंट का डिस्कशन करूं तो सेकंड पॉइंट पर आप देख सकते हो कि यहां AOL ओपन लूप गेन, याद रखना ओपन लूप गेन का मतलब है गेन विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक का मतलब है जब हम बिना फीडबैक के वैल्यू देख रहे हैं तो वी नॉट, और यहां जस्ट इनपुट पर अप्लाई वोल्टेज, तो इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाइड वोल्टेज का मतलब है वीआईडी या इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज वी प्लस से वी माइनस का अंतर। तो यहां आप कह सकते हो AOL का मतलब है वी नॉट अपॉन वीआईडी, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज। अब फिर से स्टूडेंट्स, आदर्श ओपन पर अगर AOL को इनफाइनाइट बनाना है तो यह अनंत तभी बन सकता है जब VID का मान क्या हो जाए, जीरो। और आप सभी जानते हैं VID जीरो होने का मतलब है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जीरो होने का मतलब है V प्लस माइनस V माइनस का मान जीरो होना। नॉन इनवर्टिंग से इनवर्टिंग का अंतर शून्य के बराबर होना चाहिए। अब आप जानते हैं अगर मैं स्टूडेंट्स इसको दिस साइड ले जाऊं तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं V प्लस हमारे पास V माइनस के बराबर होना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल वायर नहीं है यहां। आप ध्यान से देखो, क्या यहां कोई ऐसी वायर हमने ली है स्टूडेंट जो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को कनेक्ट कर रही हो? ऐसी कोई वायर नहीं है। अगर मैंने एक फिजिकली आपस में शॉर्ट किया होता, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फिजिकल शॉर्ट। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाला वोल्टेज नॉन इनवर्टिंग का टर्मिनल वोल्टेज इनवर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां बनने वाला वोल्टेज अगर जीरो वोल्ट है तो इस टर्मिनल का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर स्टूडेंट्स दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज इक्वल हो जाएं तो क्या ये वर्चुअली हुआ है या फिजिकली हुआ है? ये आभासी रूप से है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअली शॉर्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। और वर्चुअल शॉर्ट का सिंपल सा मतलब है कि यहां इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। वर्चुअल शॉर्ट का भी स्पेशल केस क्या है? वर्चुअल शॉर्ट के स्पेशल केस का मतलब है कि यहां का वोल्टेज जीरो है। अगर यहां का वोल्टेज जीरो है स्टूडेंट्स, तो ये वाला वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। तो वर्चुअल शॉर्ट का स्पेशल केस है वर्चुअल ग्राउंड। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल शॉर्ट का स्पेशल केस यहां क्या निकल कर आया, वर्चुअल ग्राउंड। अब अगर ये वर्चुअल ग्राउंड है तो इसका मतलब है यहां वोल्टेज की वैल्यू अगर जीरो वोल्ट है, यहां वोल्टेज की वैल्यू जीरो वोल्ट है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या बन जाएगा, जीरो वोल्ट। अब मुझे इस आउटपुट को इनपुट से रिलेट करना है, और अगर मुझे आउटपुट को इनपुट से रिलेट करना है तो इसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट होगी किरचॉफ धारा का नियम, दैट इज कॉल्ड KCL। मुझे क्या करना है सिंपली स्टूडेंट्स, एक करंट मैंने इस डायरेक्शन में मान ली, मैं मान लेता हूं इस करंट को अपने समझने के लिए IC, और एक करंट मैं इस तरफ मान लेता हूं I, राइट। ये दो करंट्स मैंने अज्यूम कर ली, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर नोड पर ये वाली इनपुट करंट जीरो है, तो केवल मुझे इन दोनों करंट से मतलब है। मैं यहां पर लिख सकता हूं अप्लाई केसीएल एट इनवर्टिंग नोड। किस नोड पर हम किरचॉफ धारा का नियम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनवर्टिंग पर, माइनस वाले टर्मिनल पर, राइट। किरचॉफ धारा के नियम के अनुसार ये वाली धारा मैंने बाहर की तरफ मानी है, ये वाली धारा भी बाहर की तरफ मानी है, तो इसका मतलब है मुझे आईसी प्लस आई, दोनों करंट बाहर की दिशा में है, ये वाली धारा जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो IC प्लस I का मान जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों ही धाराएं बाहर की तरफ हैं। अब एक छोटी सी बात जरा समझना, एज हम लोग कैपेसिटर पर बात कर रहे हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कैपेसिटर पर करंट लिखना चाहूं तो पहले मुझे कुछ बेसिक बात, ये सभी जानते हो, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर मैं किसी कैपेसिटर की बात करूं, संधारित्र पर
संधारित्र पर यहां मुझे करंट आईसी लिखनी है। करंट लिखने से पहले यह बात समझना, जितना यहां पोटेंशियल अप्लाइड होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज वैल्यू बनेगी। तो मैं बोल सकता हूं क्यू प्रोपोर्शनल होगा वी के। इस संधारित्र पर क्यू जितना भी डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वी। या हम बोल सकते हैं क्यू बराबर सीवी। अब आप जानते हो क्यू बराबर सीवी पर मेरे पास क्यू वेरिएबल है इन अकॉर्डेंस विद वी। लेकिन सी मेरे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूं धारा की वैल्यू, तो आप सभी जानते हो आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। इसका मतलब आई का मतलब होता है सिंपली डी क्यू अपॉन डी टी। अगर मैं डी क्यू अपॉन डी टी की बात करूं तो इसका मतलब है मुझे इस पर अवकलन कर देना चाहिए। जब मैं अवकलन करूंगा तो सी एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, और अगर सी एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा तो इसका मतलब है सी और डीवी बाई डी टी। इसी को हम बोलते हैं संधारित्र में फ्लो होने वाली करंट। आई के साथ सफिक्स में मैंने क्या लिख लिया, सी। सफिक्स में लिखने का मतलब है कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट। तो कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई सी बराबर सी डीवी बाई डी टी, राइट। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कैपेसिटर पर जो अप्लाइड वोल्टेज बन रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट आई सी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। हालांकि ये बातें आप नेटवर्क में जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस बात को मुझे साइड में एक बार लिख देना चाहिए। तो कैपेसिटर पर फ्लो होने वाली करंट IC बराबर CdV बाई DT होगी, या फिर जैसे आपने करंट कैपेसिटर में लिखने के लिए सफिक्स में C लिखा है, ऐसे ही आप वोल्टेज कैपेसिटर पर बनने वाले के लिए सफिक्स में C यहां पर लगा सकते हो। तो इसको समटाइम्स CdVC अपॉन DT भी बोलते हैं। उससे कोई फर्क नहीं है कि आपने I बराबर CdV बाई DT लिखा या IC बराबर CdVC अपॉन DT लिखा, दोनों बातें सेम है। चलिए मैं वापस आता हूं यहां पर। अगर मैं स्टूडेंट्स आईसी की बात करूं तो देखो आईसी की वैल्यू क्या निकल कर आई, आईसी की वैल्यू है सी डीवीसी अपॉन डीटी प्लस। अब देखो जरा, अगर मैं इस तरफ आई की बात करूं, इस तरफ अगर मैं आई की बात कर रहा हूं तो नोटिस करना इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 0 वोल्ट, यहां प्रतिरोध R है और यहां नोड वोल्टेज V नॉट है। अब जरा चेक करो, मैं अगर इस I की वैल्यू लिखना चाहूं तो इस I की वैल्यू को लिखने का मतलब है ये जो I होगा, इस I का सिंपली मतलब है I बराबर धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध 0 माइनस V नॉट अपॉन R। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं करंट तो 0 माइनस V नॉट अपॉन R, दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये अपने पास KCL की जो इक्वेशन थी, KCL पर धारा का अलग अलग मान हमने लिख लिया। याद रखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के साथ जो करंट की वैल्यू बनेगी वो पहले मैंने लिख लिया, और प्रतिरोध के साथ जो धारा का मान बनेगा वो लिख लिया, राइट। अब एक बात नोटिस करो, अगर मैं यहां कह रहा हूं कि आप यहां से यहां पर धारा लिख रहे हो, तो देखियो स्टूडेंट्स मेरी बात को नोटिस करके समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सी एज ए सी ही आएगा, डी बाई डी टी, सभी स्टूडेंट ध्यान देना बोर्ड पर, केवल और केवल बोर्ड पर अभी सेंट्रिक रहे। इस नोड से इस नोड पर मैं करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पर लिख रहा हूं। मैं अगर करंट यहां से फ्लो कर रही है तो मैं यहां हायर पोटेंशियल मानकर चल रहा हूं और यहां लोअर पोटेंशियल मानकर चल रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स कि आपको बीच वाला वोल्टेज कैपेसिटर पर वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज आखिर किसका किससे अंतर है, तो आप देख पा रहे हैं इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर ही तो बीच वाला वोल्टेज होगा, इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर ही बीच वाला वोल्टेज होगा। और अगर आप करंट इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन पर पहला साइन क्या दिखाई देगा, प्लस, राइट। तो इसका मतलब है सी डी बाई डी टी, और इस वीसी का मतलब जो कैपेसिटर पर वोल्टेज बनेगा इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखकर बताओ सभी लोग, इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज का अंतर, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 0 माइनस वी आई
राइट, जीरो माइनस वी आई प्लस जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर शुड बी इक्वल टू जीरो। मान लो ये बात आपको अगर समझने में दिक्कत आती है तो आप यहां से, मैं साइड में लिखकर फिर से बता रहा हूं, इस बात को आप जरा नोटिस करना। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए यहां वी वन, यहां कोई प्रतिरोध है, कोई पैसिव एलिमेंट है, ये वी टू है, वी वन की वैल्यू 10 वोल्ट है, वी टू की वैल्यू 5 वोल्ट है, और मैंने आपसे कहा वी वन से वी टू पर आप इस डायरेक्शन पर वैल्यू लिख रहे हैं, आप कहीं से कहीं पर वैल्यू लिख सकते हैं। चलो ध्यान से नोटिस करना, वी वन से वी टू का अंतर, अगर मैं मल्टीमीटर लगाऊं, वी वन से वी टू का अंतर बीच वाले वोल्टेज के बराबर होगा, राइट, बीच पर 10 से 5 का अंतर ही तो 5 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूं इससे इसका अंतर, तो वी वन माइनस वी टू बराबर वी आना चाहिए। अब जरा चेक करो इस वी का मान कितना आ रहा है, वी वन से वी टू का अंतर ही तो बीच वाला वोल्टेज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीमीटर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मेजर करता है। आप मेरी बात समझना, मैं लैब में क्या कर रहा हूं, ये रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है, मैंने एक तरफ रेड लगा दिया, एक तरफ ब्लैक लगा दिया, रेड से ब्लैक का अंतर बीच वाला वोल्टेज है, रेड से ब्लैक का अंतर का मतलब है 10 से 5 को घटाना, अगर मैं 10 से 5 को घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन क्या देख रहा हूं, प्लस, गेटिंग माय वर्ड, तो मैंने वी वन माइनस वी टू की वैल्यू किसके बराबर लिखी, वी, चेक करना क्या ये आंसर सही है, वी वन का मान कितना था 10 जी, वी टू का मान कितना था 5, तो 10 माइनस 5 की वैल्यू V के बराबर होनी चाहिए या V बराबर कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। मैं विभवांतर अगर इस डायरेक्शन से देखूं, 10 माइनस 5 का अंतर बीच में क्या आना चाहिए, 5 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात जरा समझना, इसी बात को अगर मैं ऐसा बोलूं, ये V1 है, ठीक है, और यहां V2 है, मैं आपसे बोलूं, मेरी बात को नोटिस करेंगे सभी, मेरा मन है इस बार इस V2 से V1 का डिफरेंस देखने का, राइट, मेरी बातें समझना स्टूडेंट्स। मैंने यहां बोला कि आप बताओ ये वाला विभवांतर कितना है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अंतर बीच वाला वोल्टेज था, लेकिन इस बार मल्टीमीटर में मैंने रेड यहां लगा दिया स्टूडेंट्स, ब्लैक यहां लगा दिया, रेड यहां लगाया, ब्लैक यहां लगाया, इसका मतलब इस बार मैं 5 से इस 10 को घटाऊंगा, इस बार मैं इस 5 से 10 को घटाऊंगा, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या, अगर मैं 5 से 10 को घटा रहा हूं तो यहां से चलते हुए पहला साइन क्या मिलेगा, माइनस, तो इसका मतलब है मैं अगर आपसे बोलूं V2 माइनस V1, V2 से V1 को घटा रहा हूं, तो इस समय यह वैल्यू V2 से V1 का अंतर, इस समय चलते हुए पहला साइन क्या दिखाई देगा, इससे इसको घटाते समय चलते हुए पहला साइन माइनस, तो दिस वैल्यू शुड बी माइनस V। जरा चेक करो, V2 का मान 5 था, V1 का मान 10 था, 5 माइनस 10, तो क्या स्टूडेंट्स 5 माइनस 10 का मतलब माइनस 5 है, बराबर माइनस V, या V की वैल्यू फिर से 5 वोल्ट नहीं मिल गई, तो क्या दोनों में कोई फर्क है, जब आप इससे इसको घटाएंगे तो चलते हुए पहला साइन यहां का, जब आप इससे इसको घटाएंगे, V2 से V1 को घटाएंगे तो चलते हुए पहला साइन V2 के साइड से, दैट्स इट। तो आप जिससे जिसको घटा रहे हैं स्टूडेंट्स, चलते समय उसका पहला साइन लेना है, यह बात अब आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने यहां क्या किया जरा समझना, मैं IC इस डायरेक्शन में इस नोड से इस नोड का अंतर देख रहा हूं, अब जरा समझना, मैं इस नोड से इसका अंतर देख रहा हूं स्टूडेंट्स, और यह बीच वाला वोल्टेज है, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस मैंने माना था, मैंने इस करंट की डायरेक्शन में यहां प्लस माइनस, सेम मैं अभी भी करंट यहां से ही देख रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस ही है, तो यहां करंट मैंने इस दिशा में मानी है, तो इसका मतलब है यहां प्लस है और यहां माइनस है। अब जरा समझना, इस नोड से इस नोड का अंतर बीच वाला वोल्टेज होगा, जब मैं इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज को घटाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, इस नोड वोल्टेज से इस नोड वोल्टेज को घटाऊंगा तो चलते हुए पहला साइन क्या दिखाई देगा, प्लस, तो इसका मतलब है, यहां बोर्ड पर जरा समझना मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैं नीचे यहां लिख देता हूं, इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो था,
यहां संधारित्र है, धारा मैं इस दिशा से मानते हुए लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां प्लस साइन देख रहा हूं और यहां माइनस साइन, और ये वीसी है और इस पॉइंट का वोल्टेज वी आई है। तो दो नोड वोल्टेज में रिलेशन क्या होगा, मैं बोल सकता हूं जीरो से अगर मैं वी आई को घटाऊं, ध्यान से देखना, मैं इस नोड वोल्टेज से इसको घटा रहा हूं तो जीरो माइनस वी आई बराबर जीरो से अगर वी आई को घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन क्या दिखाई देगा, प्लस वीसी, तो बराबर में प्लस वीसी, तो मैं बोल सकता हूं वीसी बराबर माइनस वी आई, राइट। दूसरी बात, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, सभी बोर्ड पर देखना स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं है, मैं यही लिख रहा हूं, सभी बोर्ड पर देखना, अगर मैं इस वी आई से इस जीरो को घटाऊं, अगर मैं इस वी आई से इस जीरो को घटाऊं तो अब चलते हुए मैं कहीं से भी किसी को घटा सकता हूं, अगर मैं इससे इसको घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन माइनस मिलेगा, तो मुझे लिखना चाहिए वी आई माइनस जीरो बराबर वी आई माइनस जीरो बराबर चलते हुए इस डायरेक्शन में पहला साइन माइनस वी सी, अल्टीमेटली वी आई बराबर माइनस वी सी। आप चेक करिए क्या वी आई बराबर माइनस वी सी, और यहां भी माइनस वी आई बराबर वी सी, या मैं बोल सकता हूं वी आई बराबर माइनस वी सी, क्या दोनों रिलेशन में कोई फर्क है स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं अगर इससे इसको घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन यहां देखना होगा, और अगर मैं इससे इसको घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन मुझे प्लस को लेना होगा, राइट। ये बात अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, नेटवर्क में मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिन स्टूडेंट्स ने अभी बेसिक की क्लास नहीं कर रखी है वो कम से कम इतनी बातों को समझ जाएं, राइट। तो इसका ओवरऑल मोटो ये था स्टूडेंट्स, आप इस नोड से इस पर डिफरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब चलते हुए पहला साइन यहां से देखना है, और अगर आप इस नोड से इसका डिफरेंस कर रहे हैं तो चलते हुए आपको पहला साइन यहां से देखना है, राइट। दैट्स इट, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब यहां से, अब एक चीज नोटिस करना, पैसिव एलिमेंट में करंट धारा हमने इस दिशा में ली है, तो धारा जहां से इंटर करेगी वहां क्या बनेगा, प्लस, जहां से लीव करेगी वहां क्या बनेगा, माइनस। तो इसका मतलब है इस नोड से इस नोड का अंतर चलते हुए पहला साइन क्या देगा, प्लस, और यहां जो बनने वाला वोल्टेज है, बनने वाला वोल्टेज है वो वीसी होगा, तो जीरो माइनस वी आई बराबर वीसी। तो इसका मतलब है वीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो माइनस वी आई, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे को लगा एक गुड फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको साइड में लिख दिया है सो दैट आपको क्लियरेंस मिल जाए। चलिए अब यहां से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं, सो दिस वैल्यू बिकम्स, माइनस बाहर आ जाएगा सी डी वी आई अपॉन डी टी, और इसको अगर इस तरफ पक्षांतर कर लें तो दिस वैल्यू इज वी नॉट अपॉन आर। अब यहां से देखो, अगर मैं वी नॉट मतलब आउटपुट को पहले लिखूं तो आउटपुट बराबर ये आर इस साइड चला जाएगा माइनस का आर सी इंटू डी बाई डी टी इंटू वी आई। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करो, ये जो डी बाई डी टी ऑफ वी आई है इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगा है स्टूडेंट्स, आर सी। रिकॉल करिए क्या ट्रांजिएंट एनालिसिस में मैंने आपको पढ़ाया था टाइम कॉन्स्टेंट अप्रोच, राइट। ट्रांजिएंट पर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर मैंने आपको बताया था टाइम कांस्टेंट अप्रोच में आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू सी या आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूं यहां टाइम कांस्टेंट टाउ को किस क्या बता रहे हैं हम लोग, टाइम कांस्टेंट, तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट से इसको रिप्लेस करूं तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा, आरसी यूनिट होती है टाइम कांस्टेंट की सेकेंड। तो बताइए इस ऊपर वाले रिलेशन को अब मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्या मैं इस रिलेशन को अब ऐसा भी बोल सकता हूं कि V नॉट बराबर माइनस का टाउ इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी आई। अब एक बात समझना, ये जो V नॉट बराबर माइनस टाउ डी बाई डी टी ऑफ वी आई आया, इस पर टाउ तो फिक्स होगा, जो भी डिजाइनर है डिजाइनर किसकी वैल्यू फिक्स कर चुका होगा परचेजिंग टाइम पर, आर और सी जब मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो आप जो परचेज करने गए स्टूडेंट्स उसका टाइम कांस्टेंट फिक्स लाओगे, तो आर और सी का मान तो फिक्स हो चुका।
अगर R और C का मान फिक्स हो चुका, इसका मतलब है RC एक कांस्टेंट टर्म हो गई, गेटिंग माय वर्ड्स, माइनस साइन, क्योंकि आपने डिजाइन किया है इनवर्टिंग एम्पलीफायर की हेल्प से, तो ये माइनस साइन 180 डिग्री की फेस शिफ्ट देगा। तो अल्टीमेटली ये जो V नॉट है ये किसके समानुपाती है, ये अवकलन ऑफ इनपुट फंक्शन है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये किसके समानुपाती निकल कर आ रहा है, ये इनपुट वोल्टेज का, इनपुट सिग्नल का अवकलन के प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूं यहां स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है आप ये वाला डाटा कंप्लीट कर चुके होंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए केवल लिखा था, राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट आपको एक क्लियरेंस मिल जाए कि मैं क्या बात डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां से आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि V नॉट, राइट, और ये स्टूडेंट्स नेटवर्क की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, इसको नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये अब आप जानते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी जानते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि जिन्होंने अभी बेसिक नहीं पढ़ रखा है उनको साइड पर, मैं बोर्ड के साइड पर ये चीजें इसलिए लिख देता हूं कि थोड़ा सा गुड फॉर्म में चीजें आपको क्लियर हो, राइट। एक बात और है स्टूडेंट्स, यहां डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाना है, लेकिन यहां पर मैं अगर डेरिवेशन बता रहा हूं तो इसकी वजह सिंपल सी ये है कि आपको चीजें फील करो, आपको बोर्ड पर विजुलाइज होना चाहिए कि यार ये डिफरेंशिएटर सर्किट है, मुझे दिखाई देना चाहिए आखिर डिफरेंशिएटर ही क्यों है, क्यों यहां सी लगाने से मेरे पास डिफरेंशिएशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। माइंड में पहला क्वेश्चन आता है क्लास स्टार्ट करते समय कि सर ये सी लगा कहां से दिया, तो ये सी क्यों लगाया ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये चीज अब आपको दिख रही है, देखो इधर, ये जो V नॉट आया, ये जो आउटपुट वोल्टेज आया, ये आउटपुट वोल्टेज समानुपाती आ रहा है डी बाई डी टी का मतलब अवकलन ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, सीरीज पर कैपेसिटर लगाने पर आपको इनपुट फंक्शन का क्या मिल गया, अवकलन। इसलिए इसका नाम होता है ऑपएम, हेडिंग देखो, एज ए डिफरेंशिएटर। ऑपएम को जब मैं अवकलन करने वाला बनाऊं तो उस समय मेरे पास फीडबैक रजिस्टर रहना चाहिए, लेकिन सीरीज रजिस्टर के स्थान पर एक कैपेसिटर लग जाना चाहिए, और अपने पास V नॉट किसके समानुपाती आ गया, डी बाई डी टी ऑफ वी आई, राइट। तो डीवीआई बाई डी टी का मतलब है आप इनपुट का क्या कर रहे हैं, अवकलन, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स आर और सी की वैल्यू तो टाइम कॉन्स्टेंट फिक्स कर देगा, माइनस साइन केवल 180 डिग्री फेस शिफ्ट दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली V नॉट, देखो माइनस का मतलब तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स, इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग में, नॉन इनवर्टिंग विदाउट फेस शिफ्ट देता है और इनवर्टिंग आपको क्या दे रहा है, फेस शिफ्ट के साथ, दैट्स इट। और यहां जो डी बाई डी टी ऑफ वी आई आया, डी बाई डी टी ऑफ वी आई का मतलब क्या है आपको क्लियर होना चाहिए, डी बाई डी टी अवकलन किसका, इनपुट सिग्नल का। तो स्टूडेंट्स अपने पास आउटपुट समानुपाती आ रहा है इनपुट के अवकलन का, राइट, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब जरा चीजों को समझना, अब जरा चीजों को नोटिस करना कि हम इससे क्या बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखो एक एक करके चीजों को समझना, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुड फॉर्म में यह क्लियर होना चाहिए कि ऑपएम एज ए डिफरेंशिएटर सर्किट में मैंने सी यहां क्यों लगाया, राइट। दूसरी एक बात और, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने करंट इस दिशा में ली है, मैं करंट इस दिशा में ले लूं, जो मन में आए आप उस डायरेक्शन से चलना। जब आप इस डायरेक्शन से चलोगे तो फर्क केवल क्या होगा, करंट जहां से इंटर करेगी यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, राइट। करंट इंटरिंग द ब्रांच टेकन एच प्लस, लीविंग द ब्रांच माइनस, और फिर केसीएल लगाएंगे फिर सेम आंसर आएगा। तो आप किसी भी मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरा मोटो यहां कैलकुलेशन नहीं था स्टूडेंट्स, मेरा मोटो था ये रिलेशन गेट करना, और जब एक बार आप इस रिलेशन पर आ चुके हो तो अब आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कैसे अवकलन फंक्शन को देखेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेकर चीजें आपको क्लियर करता हूं। चलो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक एक करके मैं चीजें समझा रहा हूं, राइट। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसको आप जरा गुड फॉर्म में समझेंगे। देखो मान लीजिए मैं सर्किट पर आपको ग्राफिकल अप्रोच से चीजें एक बार बताता हूं स्टूडेंट्स, राइट। मैं ग्राफिकल अप्रोच से चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जैसे ही हम देखें
कि ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर सर्किट पर ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर सर्किट पर अगर आपने इनपुट पर एक साइनोसोडल वेवफॉर्म को लिया, राइट, इनपुट पर आपने एक साइनोसोडल वेवफॉर्म को लिया, राइट, तो साइन पर आपको अवकलन करते समय, मैं स्टूडेंट्स किसी एक पर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अभी डिफरेंशिएटर पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इंटीग्रेटर पर डायरेक्ट आंसर्स को हम देख पाए, राइट, बेटर होगा कि किसी एक वर्जन पर हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लें। देखो जी, पहला एग्जांपल समझना सभी। अब मान लीजिए आपने सिंपल ऐसा किया यहां पर, सॉरी, आपने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर लिया। सभी देखें स्टूडेंट बोर्ड पर, आपने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बहुत इजी वे में समझेंगे आपने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, यहां पर सीरीज पर एक कैपेसिटर लिया है, फीडबैक पर एक रजिस्टर लिया है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसको क्यों डिफरेंशिएटर सर्किट ही बोलते हैं। यहां ग्राउंड है, राइट, मान लो यहां सी का मान मैं लिखी देता हूं, आप समझना जरा मैंने क्या क्या किया। यहां पर मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए सी का मान 1 माइक्रोफेरेड ले लिया। यहां जो फीडबैक रजिस्टर है ये आर, ये मैंने 1 मेगा ओम ले लिया। और यहां पर स्टूडेंट्स इनपुट पर वी आई मैंने मान लिया साइन टी, 1 साइन टी, ठीक है, इनपुट पर मैंने एक साइन टी सिग्नल मान लिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, राइट, मुझे क्या देखना है यहां पर, आउटपुट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जरा समझना, इनपुट का ये जो इनपुट का फिगर है ये सभी लोग बोर्ड पर पहले देख लें कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला इनपुट पर एक साइनोसोडल फंक्शन हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब इनपुट पर अगर मैं साइन की बात करूं तो एक बेसिक साइन वेव फॉर्म कुछ इस तरह से अपने पास, राइट, साइन वेव फॉर्म है जिसकी मैं 2 साइकिल्स लेकर चल रहा हूं। चलो ये जो साइन वेव फॉर्म है यहां पर +1 और -1 की रेंज पर है, ये साइनोसोडल ग्राफ है। तो इनपुट पर हमने एक साइनोसोडल लिया, अब मुझे आउटपुट पर वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। आप थोड़ी देर पहले देख चुकी हो कि वी नॉट बराबर क्या आ रहा था स्टूडेंट्स अपने पास, माइनस का आरसी अवकलन ऑफ इनपुट फंक्शन। जरा समझना आर और सी का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, आर और सी का मतलब है माइनस आर इंटू सी, राइट, तो आरसी पर R इंटू सी पर, बहुत नोटिस करना, R इंटू सी का मतलब R की वैल्यू है 1 मेगा ओम इंटू सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, राइट, इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी आई, और वी आई क्या है अपने पास, साइन टी। आप जानते हो मेगा का मतलब है 10^6, माइक्रो का मतलब है 10^-6, तो क्या अल्टीमेटली दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 10^6 आया, ये 10^-6 आया, और यहां d बाई डी टी ऑफ साइन टी का मतलब है, नोटिस करना, d बाई डी टी ऑफ साइन टी का मतलब है जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि साइन टी का अवकलन, तो सिंपली साइन टी का अवकलन है cos t, साइन टी का अवकलन कितना है स्टूडेंट्स, cos t। अब जरा नोटिस करना, 10^6 और 10^-6 अगर आपस में कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉस टी। अब आप जानते हो
मैंने डिजाइन जो किया है स्टूडेंट्स वो इन्वर्टिंग की हेल्प से किया या नॉन इन्वर्टिंग? इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग केवल और केवल क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? माइनस साइन का मतलब केवल और केवल क्या है? 180 डिग्री फेस शिफ्ट। आपको कई बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये माइनस साइन केवल क्या बता रहा था? 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज के अगर मैं अब ग्राफ खींचूं, तो आउटपुट वोल्टेज के ग्राफ को मैं दिस साइड बना रहा हूं। पहले आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक फॉर्म पर कि ये अपने पास VI था, ये अपने पास क्या था? VI। अब मैं VI से स्टूडेंट सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं समझना। देखो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो साइन की जगह आउटपुट पर अगर मैं साइन की जगह बात करूं तो मेरे पास यहां फंक्शन जो आने वाला है वो कौन सा स्टूडेंट्स? कॉस का। वो फंक्शन है कॉस का। अगर मैं कॉस की बात कर रहा हूं जरा समझना, मान लो ये इसकी रेंज है पीक की। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को आउटपुट पे क्या चाहिए? कॉस। आप जानते हैं कॉस का मतलब क्या है? कॉस का मतलब है ये फंक्शन 90 डिग्री लीडिंग पर था, और 90 डिग्री लीड का मतलब ये पहले से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इस समय मेरे पास कॉस का जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, कॉस का ग्राफ मैं ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। कॉस का ग्राफ एक्चुअल में ये ग्राफ 90 डिग्री लीड कर गया है साइन वाला, तो ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा, राइट? मतलब ये जो मेरे पास अब जो ग्राफिकल फॉर्म है, ये बात पहले समझना है स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं। ग्राफ मेरे पास यहां से स्टार्ट होता था अभी तक साइन का, राइट? लेकिन अगर मैं कॉस की बात कर रहा हूं तो कॉस का सिंपल मतलब है ये 90 डिग्री लीड होगा हमारे पास, और अगर ये 90 डिग्री लीड होगा तो ये ग्राफ इस समय मेरे पास इस वे में प्रॉपर आएगा, राइट? ये मेरे पास किसका ग्राफ हो गया? अगर मैं साइकिल की बात करूं तो मैं यहां से अप टू 2 साइकिल तक बना रहा हूं इसको, और ये 90 डिग्री लीड है, और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? कॉस। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? कॉस। अब जरा समझना, ये तो मेरे पास किसका ग्राफ था? कॉस टी का। ये किसका ग्राफ था? कॉस टी का। लेकिन ये जो आउटपुट मैं देख रहा हूं इसमें अगर मैं 180 डिग्री फेस शिफ्ट भी दिखाऊं, क्योंकि माइनस केवल क्या बताता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो मैं अगर प्रॉपर आउटपुट को खींचूं, तो प्रॉपर आउटपुट को खींचने का यहां मतलब है आप 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ इसको दिखाएंगे, और 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ दिखाने का मतलब है, देखो स्टूडेंट्स मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरा अब मोटो यह है अगर मैं इसको 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ दिखा रहा हूं, मैंने डॉटेड पॉइंट्स नीचे दिखा दिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर इमेज दिखाई देने लगे, राइट? ज्यादा क्लियर इमेज दिखाई देने लगे, इसलिए मैं इसको डॉटेड करके बना रहा हूं, राइट? कई पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, सो दैट आपको बहुत प्रॉपर क्लियर इमेज दिखाई दे। यहां पर जो रेंज है +1 से -1 के बीच में है। चलिए अब जरा नोटिस करो स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला माइनस कॉस टी, तो माइनस का मतलब क्या है? मिरर इमेज। तो अगर मैं इसको टी एक्सिस के अराउंड लाइक दिस देखूं फोल्ड करके, तो इसका मतलब है ये ग्राफ, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये जैसे अपवर्ड दिख रहा था स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ ऐसे दिखाई देना चाहिए। इसी तरह ये जो डाउन पार्ट जा रहा था स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ये अब अप जा रहा था, ये डाउन जा रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जैसा वहां अपवर्ड दिख रहा था, वैसा ही यहां पर हमारे पास ये डाउनवर्ड दिखेगा, फिर ये अपवर्ड दिखाई देगा, इसके बाद वापस लाइक दिस, और ये ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये नीचे जा रहा होगा लाइक दिस। इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज दिखाई देगा, और ये जो आउटपुट है, ये जो अब आप आउटपुट देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ वी नॉट, ये कौन सा आउटपुट है? माइनस का कॉस टी। ये माइनस कॉस्टी है जो आप प्रॉपर देखने जा रहे हो। तो
तो क्योंकि माइनस साइन के साथ मतलब ये 180 डिग्री वाले के साथ है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ है, राइट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ है। तो पहला वाला जो मेरे पास ग्राफ था वो कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट्स, जो बेसिक अवकलन बता रहा है, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन किससे किया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। तो अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से है तो यहां माइनस साइन की वजह से, माइनस साइन की वजह से आउटपुट पर एक 180 डिग्री का फेस शिफ्ट भी मुझको दिखाना होगा। तो ये मेरे पास फाइनल ग्राफ होगा। और इस ग्राफ को बनाने का तरीका, पहले ये साइन से 90 डिग्री क्या हो गया, लीड हो गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट यहां दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर गया। तो इस वाले पॉइंट से आप मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, ग्राफिकल फॉर्म पर जैसे मैं ऐसा बोलूं, आपको कॉस बनाना है, तो कॉस का मतलब अब सिंपली ये है कि ये वाला ग्राफ इस पार्ट से स्टार्ट हो गया, राइट, दैट्स इट। तो अगर ये इस पार्ट से स्टार्ट हो गया तो मुझे जीरो से पहले नहीं देखना, इसका मतलब मेरे पास कॉस का ग्राफ लाइक दिस होगा। तो ये जो कॉस का ग्राफ होगा, इसी को मैंने पहले बनाया है। अब कॉस के ग्राफ को मुझे क्या करना है, मिरर इमेज करना है, क्योंकि एक माइनस साइन आ रहा था, माइनस साइन की वजह से अपन ने क्या किया इसको, मैंने स्टूडेंट्स इसके ये वाला पार्ट अगर लिया है तो अब कौन सा पार्ट इसका मिरर इमेज होगा। मैं स्टूडेंट्स आपके समझाने के लिए इसको ग्रीन कलर से ड्रा कर रहा हूं। मेरे पास ये वाला पार्ट रिमेनिंग था, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट रिमेनिंग था, ग्रीन कलर वाला पार्ट रिमेनिंग था, बी क्लियर, ग्रीन कलर वाला पार्ट रिमेनिंग था। तो इस ग्राफ को, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, इसी ग्राफ को मैंने नीचे बना दिया है। ये मैंने बाद में बनाया आपको समझाने के लिए केवल, राइट। तो इसका मतलब है इसने साइन का अवकलन करके आपको दिखा दिया। और अगर आप एक चीज और, अगर आप इस माइनस साइन को भी खत्म करना चाहते हैं, ये माइनस केवल क्यों दिखा रहा है, ये बात समझ में आ रही है सभी को, क्योंकि आपने किससे डिजाइन किया, इन्वर्टिंग से। और अगर आप इस माइनस को भी खत्म करना चाहते हैं तो इस डिफरेंशिएटर सर्किट के बाद एक और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा दे जिसका गेन वन हो। अगर स्टूडेंट्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन वन होगा तो आप जानते हैं उसमें भी एक माइनस साइन आएगा, और माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास प्योरली कॉस वैल्यू आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन मेरे को लगता है मुझे तीनों ग्राफ आपको अलग अलग समझाने चाहिए थे। तो मैंने इनपुट लिया, फिर एक्चुअल आउटपुट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये माइनस साइन के साथ क्या आएगा मेरे को दिखाना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आप इस माइनस को भी हटाना चाहते हो तो केवल इसके आगे एक आपको क्या लगा देना चाहिए, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको और एड कर देना चाहिए। चलो मैं आपको समझाने के लिए इस फिगर पर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एड भी कर देता हूं, केवल समझाने के लिए। ये वी नॉट आ रहा था स्टूडेंट्स, जरा समझना। अब मैंने क्या किया, एक यहां प्रतिरोध लिया, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अपने पास, याद रखना स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स आगे, इसलिए मैं केवल आपको सिंपल वे में दिखा रहा हूं। ये वाला वी नॉट मैंने वी नॉट डैश मान लिया, राइट, ये वाला वी नॉट डैश मान लिया। अब जो मैं फाइनल लिखूंगा इसको मैंने वी नॉट डबल डैश मान लिया। यहां माइनस है, यहां प्लस है, फिर से मैं एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले रहा हूं, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेने का मतलब नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करना। यहां स्टूडेंट्स फीडबैक पर एक रजिस्टर फिर से लिया आपने, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं। अगर दोनों सेम वैल्यू के हैं स्टूडेंट्स, अगर दोनों सेम वैल्यू के हैं तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने आगे और लगा दिया। और आपने जब एक और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा दिया, तो बताओ स्टूडेंट्स ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब यहां फीडबैक रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस दोनों सेम होंगे तो क्या स्टूडेंट्स सेम आउटपुट पर केवल एक माइनस साइन और नहीं आ जाएगा। अगर आपका मन है तो स्टूडेंट्स मैं इस डाटा को, स्पेस यहां नहीं है, आप सभी समझना मैं कहां चीजें लिख रहा हूं, राइट, मैं यहां चीजें लिखकर आपको समझा रहा हूं। चलो सबसे पहले आप बताओ अपने को यह पता है इनपुट रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट, AOL बराबर इन्फाइनाइट। इससे दो बातें क्या निकल कर आती है, पहली बात इस ऑपएम्प के इनसाइड करंट कितनी जा रही होगी, जीरो। टर्मिनल्स पर करंट कितनी जा रही होगी, जीरो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इधर देखो जरा, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज
इनवर्टिंग टर्मिनल के बराबर होना चाहिए। तो ये वोल्टेज जीरो था, तो यहां भी कितना पहुंच गया, जीरो। दूसरी बात, अब मेरी रिक्वायरमेंट है आउटपुट को इस इनपुट से कनेक्ट करना, तो आउटपुट को इनपुट से रिलेट करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, केसीएल लगाया। केसीएल लगाते समय मैंने क्या किया, मान लो यह मैं इसको ब्लैक कलर से दिखाता हूं, एक करंट इस तरफ मैंने मान ली है I1 और एक करंट मैंने इस तरफ मान ली है I2। बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस नोड पर KCL लगाऊं तो KCL का मतलब क्या होगा, I1 प्लस I2 बराबर जीरो। एक धारा इस तरफ और एक धारा इस तरफ। अब जरा समझना, ये वाला जो I1 होगा ये क्या हो सकता है, इस नोड का वोल्टेज जीरो है। क्यों जीरो है, वर्चुअल शॉर्ट। नीचे वाला वोल्टेज निगेटिव फीडबैक पर इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होगा। तो अगर ये जीरो है तो बताओ स्टूडेंट्स आई वन की वैल्यू क्या होगी। आई वन की वैल्यू का मतलब मैं साइड में लिख रहा हूं स्टूडेंट, वहां स्पेस कम है और मैं अलग अलग फिगर बनाना नहीं चाहता, इसलिए आपको इस फिगर से समझना होगा। आई वन को अगर मैं लिखूं तो इस नोड का वोल्टेज जीरो है और बहुत आसानी समझ जाओगे आप, यहां आर है और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या था अपने पास, मान लो वी नॉट डैश है। अगर ये वी नॉट डैश है स्टूडेंट्स, ये वी नॉट डैश है, तो बताओ यहां से इस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। I1 का मतलब है धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो जीरो माइनस वी नॉट डैश अपॉन आर। अगली बात जरा सुनो, अब जब मैं I2 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो I2 का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर जीरो वोल्ट है, यहां प्रतिरोध आर है राइट, और इस पॉइंट पर वोल्टेज वी नॉट डैश है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 का मतलब है विभवांतर बटे प्रतिरोध, जीरो माइनस वी नॉट डैश अपॉन आर। जरा यहां ये वैल्यू पुट करिए I1 और I2 की, क्योंकि स्टूडेंट मैं फाइनल आउटपुट अब यहां से देखना चाहता हूं। तो I1 का मतलब हुआ जीरो माइनस वी नॉट डैश अपॉन आर प्लस I2 का मतलब है जीरो माइनस ये वी नॉट डबल डैश है। स्टूडेंट देखो ये वाला वी नॉट डबल डैश है, तो इसका मतलब जीरो माइनस वी नॉट डबल डैश अपॉन आर बराबर जीरो। आर आर सेम है, इसका मतलब अगर मैं इस वी नॉट डैश और इस वी नॉट डबल डैश को रिलेट करूं तो आर आर एलसीएम में सेम हो जाएगा और जीरो से गुणा हो जाएगा। या लिख ही देता हूं आर बराबर जीरो, तो माइनस का वी नॉट डैश और प्लस माइनस का मतलब माइनस आएगा वी नॉट डबल डैश। अब जरा यहां से बातें समझना, मैं अगर आपसे बोलूं आर इंटू जीरो, तो ये तो स्टूडेंट जीरो हो गया और माइनस का वी नॉट डैश माइनस वी नॉट डबल डैश बराबर जीरो, या वी नॉट डैश माइनस का बराबर का प्लस वी नॉट डबल डैश, तो अल्टीमेटली वी नॉट डबल डैश बराबर माइनस वी नॉट डैश आया। और आप जानते हो इस वी नॉट डैश का मान क्या था स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में माइनस कॉस टी था। तो अगर ये माइनस कॉस टी था तो देखो वी नॉट डबल डैश बराबर माइनस, और इसकी वैल्यू थी माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का कॉस टी। कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो वी नॉट था, मैंने जब पहला फिगर खींचा था तब इसको वी नॉट माना था, मैंने अगला फिगर नया ना बनाकर इसी फिगर में के वन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक और ऐड कर दिया, विद विच कंडीशन, फीडबैक प्रतिरोध और सीरीज प्रतिरोध दोनों को सेम लिया ताकि ये आर और ये आर आपस में कट जाए और केवल माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाए और माइनस माइनस का गुणनफल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस। तो स्ट्रिक्टली अगर मैं स्पीक करूं तो डिफरेंशिएटर में जब एक फेस शिफ्ट आती है और उस फेस शिफ्ट को भी अगर अपने को खत्म करना है तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ऐड कर देंगे तो वो फेस शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी राइट। ये बातें प्रॉपर क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर का मतलब केवल यहां तक था, लेकिन अगर आप उस माइनस को भी खत्म करना चाहते हो तो उस माइनस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और लगाना होगा जिसका गेन कितना होगा स्टूडेंट्स, वन। और माइनस साइन केवल इसलिए आता है क्योंकि ये बना किससे, इन्वर्टिंग से। तो माइनस माइनस अल्टीमेटली इसका आउटपुट
अब इसके लिए इस वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट की तरह व्यवहार कर रहा है, तो अल्टीमेटली V नॉट डैश का भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस। सो दैट इज द पॉइंट, यहां जो V नॉट डबल डैश बना वो क्या बन गया अल्टीमेटली cos t, राइट। तो मेरे को लगता है ये अब आप बातें इजी वे में समझ चुके हैं, राइट। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स एक बात और, यहां डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपसे एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाएगा, ना आपसे ग्राफिकल एनालिसिस पूछी जाएगी, ना आपसे ग्राफ बनवाकर एग्जामिनर पूछने वाला है। वो सिंपल पूछेगा कि अगर आपने एक साइन वेव दी है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, कोसाइन वेव, राइट। वहां डेरिवेटिव फंक्शन आपको बस पता होना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जब हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो इतनी बेसिक मैथ अपने दिमाग में होनी चाहिए, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो और आगे जब हम कोई चीजें पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आपने देखा है नेटवर्क में नंबर ऑफ टाइम्स कभी स्टेप बनाकर दे देता है, कभी रैंप बनाकर दे देता है और पूछता है सर्किट में कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, और नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्टिव पर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम पर ये क्वेश्चन फिक्स होता है स्टूडेंट्स, पूछता है यदि आप एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इनपुट पर दे रहे हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी मिलेगी, यदि आप एक डिफरेंशिएटर पर त्रिभुजाकार वेवफॉर्म ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भेज रहे हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी मिलेगी। इसको समझने के लिए मैं फिर से स्टूडेंट्स आपको फिगर बनाकर चीजें समझा रहा हूं। फिगर बनाने से पहले आपको अवकलन का बेसिक मतलब बता रहा हूं, किसी लीनियर लाइन का अवकलन कैसे करते हैं या सीख लेना स्टूडेंट्स, नेटवर्क में भी इसकी जरूरत आपको पड़ती है। नंबर ऑफ टाइम्स एसएससी जेईई का फेवरेट एरिया है ये, ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर यहां से मस्ट है, एक से दो बिट जरूर फ्रेम करता है स्टूडेंट्स, और अल्टरनेटिव ईयर्स में कभी पूछता है, नेक्स्ट ईयर छोड़ देता है, फिर अगले साल पूछता है, तो आपको यह अप्रोच यहां से डेवलप करनी होगी। चलो हम यहां स्टार्ट करते हैं, जरा देखना, ये तो पहले फॉर्म आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर और कम से कम देखो स्टूडेंट्स एक चीज और, कम से कम मुझे ऐसा लगता है आपको यह चीज यहां क्लियर हो जानी चाहिए कि कैपेसिटर कहां लग रहा है और आउटपुट क्या कर रहा है। इतनी दो बातें कम से कम माइंड पर आप अपने स्टोर करें, और बाकी एब्रीविएशन इसलिए नीडफुल है ताकि आपको गुड फॉर्म में चीजें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट अब मैं जो डाटा ले रहा हूं एक लीनियर वर्जन का, लीनियर फंक्शन का मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बेसिक सा ग्राफ ले रहा हूं, राइट। ग्राफ लेने से पहले चलो मैं आपको कुछ लीनियर लाइंस पर पहले अवकलन बता देता हूं, ठीक है। सभी बोर्ड पर देखें, इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर नहीं है इतना, जितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं अब करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। हालांकि इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का भी आपको बेसिक फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए कि इन दोनों का सर्किट क्या होता है और कैसे आउटपुट लिखे जाते हैं, ठीक है। एक एक करके चीजों को समझना, और स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रहा हूं जो चीजें आपने कम पढ़ी है थोड़ा उसमें टाइम देना है, और मैं इतने गुड फॉर्म में इसको कवर करूंगा कि जिस दिन मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा आप खुद सोचेंगे कि बहुत आसानी से चीजें आपने समझनी है। लेकिन स्टूडेंट टाइम दीजिए, आप लेक्चर्स पर टाइम दीजिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है, और बार बार मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स लेक्चर सीरीज पर हर टॉपिक आपस में इंटरलिंक है। डायरेक्ट लेक्चर नंबर 8 देखने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 पर जाएं। कंटीन्यूअस जिस तरह से हम लोगों ने लेक्चर्स की डिजाइनिंग की है उसी तरह से आप मूव करें स्टूडेंट्स, ताकि आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए मैं यहां स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला एक लीनियर लाइन, देखो स्टूडेंट्स सी दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और यहां एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां पर एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसका समीकरण है, आप सभी जानते हो वाई बराबर एम एक्स, क्या होगा इसका इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स। अगर ये वाई बराबर एम एक्स है तो वाई बराबर एम एक्स का मतलब है आपको यहां सिंपली आपको यहां पर
y बराबर mx पर सिंपली आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, y आउटपुट है, जरा देखना, y आपके पास y बराबर mx पर, y का मतलब है आउटपुट, x एज ए इनपुट, और ये जो m है ये है स्लोप, प्रवणता, राइट। अब जरा समझना, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप इस पर अवकलन यूज करो, तो बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं अवकलन यूज करूं तो dy by dx क्या होगा? dy by dx का मतलब अगर मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन करूं तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर m बचेगा, जो भी स्लोप होगा वो आएगा, और d by dx ऑफ x, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। एक बात और, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जिन्होंने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया वो घबराए नहीं कि बहुत बड़ा अवकलन या समाकलन यहां यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात हम यूज कर रहे हैं, d by dx of x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, राइट। तो यहां पर dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, m। और एक बात और, यहां m कैसा है स्टूडेंट्स, जरा देखना, m का मतलब है ये लाइन पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप। तो यहां m की वैल्यू भी क्या आएगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आएगी। तो dy by dx बराबर m आ गया, और d by dx of x इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो अगर मैं अब इसका ग्राफ पूछूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि अब मुझे dy by dx का ग्राफ चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, आप समझना, अगर मैं इसको अवकलन कर रहा हूं तो अवकलन x के सापेक्ष करने का मतलब क्या है? dy dx करना। अगर मैं dy dx कर दूं इसका, तो dy dx करने का मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अब अपने को कैसा दिखाई देगा? इस ग्राफ पर यहां मैं लिख सकता हूं dy by dx, और इसी पर x एक्सिस पर मुझे अब ग्राफ dy by dx और x के बीच में देखना है। देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने बोला dy by dx बराबर m, क्या बोला है? m, तो m कोई कांस्टेंट वैल्यू है। मैं आपको समझाने के लिए एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं, जरा सभी लोग अंडरस्टैंड करना, मैंने मान लिया y बराबर 2x, राइट, y बराबर 2x, तो बताइए dy by dx का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 2, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, इसका मतलब dy by dx की वैल्यू 2 आ गई, और dy by dx अगर 2 आ गया तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और 2 का ग्राफ कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही तो होगा। और इस समय जो यहां m पॉजिटिव स्लोप था, क्या वही m यहां एम्पलीट्यूड नहीं बन गया स्टूडेंट्स इस लाइन का? तो देखो, एक लीनियर लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव m था, जब आपने इसका अवकलन किया तो dy by dx क्या आ गया? m आ गया स्टूडेंट्स। तो ये m एम्पलीट्यूड का एक कॉन्स्टेंट लाइन बन गया, एक सीधी लाइन, और ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इस समय मेरे पास यहां जो स्लोप था वो इसका एम्पलीट्यूड बन चुका है, राइट। तो इसका मतलब कभी भी आपसे किसी पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन का बोला जाए अवकलन करने को, तो उस समय हमारे पास अवकलन पर ऐसा ग्राफ आपको एक स्टेप सिग्नल जैसा ग्राफ दिखाई देगा। दूसरी बात, ये मैंने एक एग्जांपल लिया y बराबर 2x, तो dy by dx बराबर 2, राइट, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। 2 का मतलब है, जैसे यहां पर 2 हो सकता है, अगर ये 5x होता तो dy by dx बराबर 5, और dy dx ऑफ x का मतलब 1, इसका मतलब 5 आ जाता, तो ये 5 हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये मैंने समझाने के लिए कुछ लिखा। अब जरा समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करना आप, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आप देखो, आप यहां पर क्या कर रहे हो, जरा समझना। ये एक मैंने पहला एग्जांपल लिया, ठीक है, ये एक फर्स्ट एग्जांपल था अपने पास। अब मैंने आपसे ऐसा बोला कि यहां पर एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपसे क्या बोला, अंडरस्टैंड करना सभी, फिर से हमारे पास
अगर मैं प्लॉटिंग करूं y बराबर mx की जगह, ठीक है, y बराबर mx की जगह इस बार मेरे पास y बराबर माइनस mx है। माइनस mx का मतलब क्या है स्ट्रेस? इस बार स्लोप कैसा है? निगेटिव। पिछले बार स्लोप कैसा था? पॉजिटिव। तो अगर इस बार y बराबर माइनस mx का मतलब लाइन कुछ इस तरह से होगी। अगर लाइन पर निगेटिव स्लोप है तो इस माइनस m का मतलब इस बार निगेटिव स्लोप प्रवणता। अगर ये निगेटिव स्लोप है और अब आपसे बोला जाए इसका d बाई dx करो, अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि इसका d बाई dx करो, तो अगर मैं इसका अवकलन करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं y बराबर माइनस mx, देखो इधर y बराबर माइनस mx, यहां स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं y बराबर माइनस mx पर y फिर से क्या है स्टूडेंट्स? आउटपुट। x क्या है? एज ए इनपुट। माइनस m पर माइनस साइन क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? निगेटिव स्लोप। और m है क्या अपने पास? स्लोप, राइट। तो अब मैं अगर यहां अवकलन करूं x के सापेक्ष तो dy by dx बराबर माइनस m एज इट इज आएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन आप सभी जानते हो स्टूडेंट, d by dx ऑफ x की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस m। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर dy by dx का ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो स्टूडेंट, dy by dx का ग्राफ इस बार कैसा आना चाहिए, अंडरस्टैंड करें। इस बार ये ग्राफ जरा अंडरस्टैंड करना, dy by dx की वैल्यू आ रही माइनस m, तो माइनस m आने का मतलब ये समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि इस बार जो इसका एम्पलीट्यूड है वो माइनस m होगा। इसका मतलब आएगी तो एक लाइन, लेकिन उस लाइन पर माइनस m का मतलब -2 -5 -10, तो माइनस m को मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड माइनस m, राइट। तो जब भी स्टूडेंट्स आपसे बोला जाए निगेटिव स्लोप का अवकलन करना है तो ग्राफ ऐसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप का अगर पॉजिटिव स्लोप पर अवकलन करना है तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये दो ग्राफ कम से कम आपके दिमाग में होने चाहिए सो दैट आप इजी वे में एनालिसिस कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब यहां से जैसे मान लो मैं अब आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये काफी फेमस क्वेश्चन रहता है एग्जाम का, हालांकि ग्राफ बनाने के लिए आपके पास नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछता इस तरह से है कि इसका आउटपुट कैसा मिलेगा। तो अब जरा समझना, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, हियर इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर पर सीरीज में एक संधारित्र लगा हुआ है कैपेसिटर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है और फीडबैक पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहां वी आई इनपुट और यहां सी है, राइट। अब बोला गया यदि इनपुट पर वी ऑफ आई की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, त्रिभुजाकार आकृति है, राइट, कुछ ऐसा मान लो। आपसे बोला गया ये कोई वेवफॉर्म आपने इनपुट पर भेजी है, राइट, ये कोई वेवफॉर्म है जिसका मैग्नीट्यूड वी है, सॉरी इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू वी है, और ये वेवफॉर्म एज ए वी ऑफ आई इनपुट है, ये इनपुट आपने यहां अप्लाई किया, राइट। अब आपसे पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स इसको मैं बहुत प्रॉपर वे में ग्राफिकल फॉर्म में बना रहा हूं और अब आप अंडरस्टैंड करना। देखो सबसे पहले मैं इनपुट की अगर बात करूं, जरा समझेंगे सभी, मैं बेसिक लॉजिक आपको अभी बता चुका हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट पर एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हमने ली है, त्रिभुजाकार आकृति,
अब अगर मैं इस त्रिभुजाकार आकृति की बात कर रहा हूं, केवल और केवल आप बोर्ड पर चीजें वाच करें, पहले एक पॉजिटिव स्लोप, लाइक दिस, ये डायग्राम है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति है, ये एज ए वी ऑफ आई इनपुट सिग्नल आपने भेजा, इसका इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है वो वी है, यहां जीरो से दिस इज टी हाफ, दिस इज टी, दिस इज थ्री टी बाई टू, दिस इज टू टी, ये वैल्यू तो आप लिख सकते हो, यहां से यहां तक टोटल टी है, फिर 2t, फिर 3t, ऐसे साइकिल रिपीट हो रही है, मैंने दो साइकिल ले ली है, वेवफॉर्म का नेचर जहां से रिपीट होता है वहीं से उसकी साइकिल बनती है, तो वेवफॉर्म अप टू दिस वन साइकिल, फिर सेकंड साइकिल एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा होगा ये फिगर, मैंने समझाने के लिए यहां दो साइकिल्स आपको दिखाई है। अब जरा समझना, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जरा समझना, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये वेवफॉर्म कैसे दिखाई देगी, आप सभी अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये वेवफॉर्म कैसे दिखाई देगी, पहले समझाने के लिए मैंने जहां तक ये पॉजिटिव स्लोप ले रखा है स्टूडेंट्स, इसी के नीचे डॉटेड लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको ग्राफ बनाने में क्लियरेंस रहे, राइट। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सबसे पहले इस लाइन को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट, यहां पर अब मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस मिलेगा, और जिसका ये जहां जिसका स्लोप वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स, ये स्लोप वैल्यू मुझे इसका यहां पर मैग्नीट्यूड बताएगा। इसके बाद आप फिर से आप देखो, इस बार स्लोप कैसा है, निगेटिव स्लोप का ग्राफ कैसा था स्टूडेंट्स, निगेटिव स्लोप का ग्राफ डाउनवर्ड पर आएगा, इसका मतलब ये यहां से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और अब मेरे पास ये निगेटिव एम्पलीट्यूड को दिखाएगा। इसके बाद ये फिर पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब फिर ये चेंज करेगा, चेंज करके पॉजिटिव का मतलब इस पॉइंट पर पहुंचेगा और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट। इसके बाद फिर से स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बाद ये कैसा जा रहा है, निगेटिव स्लोप, इसका मतलब इस पॉइंट पर ये अपना एम्पलीट्यूड चेंज करेगा और यहां से ये कैसा आप दिखाएगा, निगेटिव एम्पलीट्यूड, राइट। ये ग्राफ इस तरह से हमारे पास चलता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे पता करना है आखिर यहां एम की वैल्यू क्या है, मतलब इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप पता करने के लिए मैं एनालिसिस यहां पर करूंगा कि स्लोप की वैल्यू क्या है, लेकिन पहले आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया अगर लाइन दिस है तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग प्लस एम के साथ दिखाएंगे, अगर लाइन निगेटिव स्लोप पर है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, माइनस एम के साथ, फिर यहां पॉजिटिव स्लोप है तो फिर कैसे दिखाएंगे, प्लस एम, फिर यहां निगेटिव स्लोप है तो कैसे दिखाएंगे, माइनस एम। और आप जानते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव स्लोप से कैसा चेंज हो रहा है, निगेटिव स्लोप। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ अब आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति से वर्गाकार आकृति स्क्वायर वेवफॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसा कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर वेवफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आपको यह समझना है कि यहां इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो जरा समझना, अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को भी दर्शाना चाहूं कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, तो एक एक करके आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, नोटिस करें स्टूडेंट्स, जो मेरे पास पहला पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर मेरे पास मूल बिंदु है 0 0, राइट, ओरिजिन। तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट इस सेक्शन की बात करें अप टू 0 से टी हाफ, राइट, ये टी बटे 2 लिखा हुआ है, टी हाफ जिसे हम बोलते हैं, तो इसका मतलब मैं इस लाइन की अगर बात करूं, सभी लोग बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसके बिंदु हो जाएंगे 0 0, निर्देशांक में हम इसको बोल सकते हैं x1 y1। इसी तरह पहले मैं हॉरिजॉन्टल लिखता हूं, बाद में वर्टिकल लिखता हूं, इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट के निर्देशांक पर जाऊंगा तो यहां हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, t/2, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है,
वर्टिकल डिस्टेंस है अपने पास v, इसका मतलब इसके जो पॉइंट हो जाएंगे, पहले मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट t हाफ, वर्टिकल पर वैल्यू v, और इसी को हम क्या कहते हैं x2 y2। तो ये दो बिंदु हो गए, और इस बिंदु पर अगर मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं कि स्लोप की वैल्यू क्या है, इजी वे में समझना आप, तो मैंने इसके स्लोप को माना है m, और पॉजिटिव स्लोप बन रहा है ये भी हमें पता है, और m का फार्मूला क्या होता है जरा समझें, m बराबर, बहुत बेसिक बहुत सिंपल वे में, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सभी जानते हो। चलो एक बार वैल्यू पुट करो, y2 की वैल्यू यहां कितनी दिख रही है, ये तो सभी को समझ में आया ना स्टूडेंट्स, ये यहां पर हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस है t बाई टू, वर्टिकल पर यहां डिस्टेंस कितनी है, और ये डॉट डॉट करके केवल समझाने के लिए दिखाया है, अदरवाइज फिगर अपना ऐसा था, ये मैंने जो डॉट डॉट बीच में बनाया है स्टूडेंट्स, ये केवल ये बताया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस t हाफ है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्टिकल दूरी को देखूं तो ये कितना है v, दिस v जो लिखा हुआ है, राइट। तो मुझे x2 y2 पता चल गया, x1 y1 पता चल गया। अब जरा नोटिस करो, y2 का मान कितना है v, y1 का मान जीरो है, x2 की वैल्यू t हाफ माइनस x1 की वैल्यू जीरो है, इसको आप बोल सकते हो 2v अपॉन t। आप जानते हैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर mx, लेकिन आपने यहां जो आर्गुमेंट ले रखा है स्टूडेंट वो किस एक्सिस पर ले रखा है t, तो टाइम एक्सिस के लिए mx की जगह मुझे क्या लेना चाहिए यहां पर y बराबर m इंटू t, राइट। अब अगर y बराबर m इंटू t है, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है 2v अपॉन कैपिटल t इंटू स्मॉल t, ये y आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस y के साथ मुझे अवकलन करना है, तो अवकलन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड पर ही नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे गणना करके बताओ dy by dt कितना होगा, तो बताइए स्टूडेंट्स y का मान इतना है, अगर मैं इसका dy by dt निकालूं, dy by dt निकालूं, तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो t सॉरी 2v अपॉन कैपिटल t, 2v अपॉन कैपिटल t ये कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज 2v अपॉन t आ जाएगा, और स्मॉल t का अवकलन होगा, स्मॉल t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होगा, तो dy by dt की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, dy by dt का मान कितना आ गया अपने पास 2v अपॉन t, और इसी को हम कहते हैं ये जो dy by dt अपने पास आया यही क्या है अपने पास स्लोप वैल्यू। तो इसका जो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी हम y बराबर mt पर कंपैरिजन करेंगे तो m का मान जो स्लोप है वो स्लोप कितना है अपने पास, यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसका जो स्लोप था वो है 2v अपॉन t, राइट, और यही स्लोप यहां मैग्नीट्यूड बन जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इस समय वो कितना हो जाएगा 2v अपॉन t, राइट। ये बात आपको समझनी थी। दूसरा, अब मैं आपसे बोलूं, ये तो फर्स्ट, पहले वाले अप टू एक्स वन वाई वन से एक्स टू वाई टू तक इस लाइन की इक्वेशन थी पॉजिटिव स्लोप, ये जो मैं बातें कर रहा था ये किसके लिए थी, पॉजिटिव स्लोप के लिए। चलो एक बार अब हम क्या करते हैं निगेटिव स्लोप पर चलते हैं, इसका मतलब मेरा अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, सभी बोर्ड पर वॉच करो भी, इस वाले पॉइंट से अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल पर इसका निर्देशांक कितना है t बाई टू, हॉरिजॉन्टल पर इसका निर्देशांक कितना है t बाई टू, वर्टिकल पर इसका निर्देशांक कितना है, ये वाली दूरी कितनी है v, तो t बाई टू और v। इसी तरह अब जब ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर पहुंचा तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, हॉरिजॉन्टल पर दूरी कितनी है t, और वर्टिकल पर कोई डिस्टेंस नहीं है तो जीरो, तो इसको हम बोल सकते हैं t कॉमा जीरो। अब मैं आपको समझाने के लिए फिर से निर्देशांकों को कुछ नाम दे देता हूं, समझाने के लिए इसको नाम मैंने दे दिया x1 y1,
ठीक है, मैं इसके नीचे लिख देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो, से दिस इज एक्स वन वाई वन। इसी तरह यहां मैं नाम लिख सकता हूं एक्स टू वाई टू। अब जरा समझना, पिछले बार एरो हेड ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव स्लोप। इस बार एरो हेड जब नीचे की तरफ है तो स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव। इस समय स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव। तो सबसे पहले मैं एम को पता करता हूं। अगर मैं एम का मान पता करूं तो देखिए एम का मतलब होगा, एम का मतलब है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू का मान यहां कितना है स्टूडेंट? जीरो, राइट, जीरो। और y1 का मान है v अपॉन में x2 का मान कितना है? कैपिटल t। x1 का मान कितना है? t बाई टू। तो t माइनस t बाई टू, t माइनस t बाई टू का मतलब फिर से t बटे दो। तो इसका मतलब है आप बोल सकते हैं m बराबर माइनस v अपॉन t हाफ, अदरवाइज माइनस का 2v अपॉन कैपिटल t। ये दो ऊपर पहुंच जाएगा अंश में, तो माइनस 2v अपॉन t आ गया। ये मेरे पास m आ गया। पहले वाले m को अगर मैं m1 बोलूं, m1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? m1 का मतलब है पॉजिटिव स्लोप और m2 का मतलब क्या है? निगेटिव स्लोप, राइट। और दूसरे को मैं क्या बोल सकता हूं? m2। लेकिन अभी मैंने इसको भी m ही लिखा है, राइट, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं, स्लोप की। चलो एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स। ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि m की वैल्यू इस बार कितनी आ रही है? माइनस 2v अपॉन 2। इसका मतलब इस बार निगेटिव वाले का स्लोप कितना है? माइनस का 2v अपॉन t। और अब जब ये निगेटिव पर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो देखो स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड? माइनस 2v अपॉन 2। तो मुझे लिखना चाहिए माइनस का 2v अपॉन t। तो आप मुझे बताओ, आप क्या मुझे पॉजिटिव पर और निगेटिव पर दोनों पर एम्पलीट्यूड पता चल गया? पहले वाले का एम्पलीट्यूड m1 के बराबर होगा, इस लाइन के स्लोप के बराबर। कितना है? 2v अपॉन t। इसी तरह जब ये निगेटिव पर है तब इसका स्लोप इसका मैग्नीट्यूड बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस 2v अपॉन t। तो स्टूडेंट्स ये बातें मुझे अब पता चल चुकी हैं। लेकिन कई बार एक प्रॉब्लम भी मैं देखता हूं, स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये बात तो सही थी कि यहां वाई बराबर आपने एमएक्स डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि लाइन पर ओरिजिन था, मूल बिंदु थे, तो y बराबर mt आपका लॉजिक सही है। लेकिन सर यहां तो दो बिंदु, दोनों अलग अलग बिंदु, ये एक x1 y1 है और ये x2 y2 है, इसमें मूल बिंदु नहीं है। इसका मतलब इसमें तो कंप्लीट लाइन की इक्वेशन आएगी। तो इस समय एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? लाइन इक्वेशन का फार्मूला, लाइन के समीकरण का फार्मूला होता है, सभी ध्यान देना, वाई माइनस वाई वन बराबर एम x माइनस एक्स वन, राइट। इन जनरल ये फार्मूला होता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि y तो y ही है, y माइनस वाई वन, ठीक है, बराबर m x का मतलब हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? t। अगर हम t एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां मुझे लिखना होगा m इंटू टी माइनस एक्स वन। ये जो मेरे पास पॉइंट है, राइट, ये आपको इस लाइन से देखना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं स्टार्ट करूं तो y माइनस y1 की वैल्यू, जरा ग्राफ यहां देखना आप, y1 की वैल्यू कितनी है यहां? कैपिटल का v। y माइनस y1 का मान यहां से आप चेक करो, y1 का मान कितना है? v। तो y माइनस v बराबर m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहां पर m कितना है इस बार? माइनस का 2v अपॉन कैपिटल इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स वन का मान कितना था यहां पर? एक्स वन का मान था टी बाई टू, राइट। तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन बनी। अभी भी ये लाइन की कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, तो देखो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, स्पेस वहां अब नहीं है मेरे पास, तो एक काम हम कर सकते हैं या फिर समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को अपन यहां बनाएंगे। ये अभी आप ऐसा समझना, राइट, मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, लाइन की इक्वेशन अब मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। देखो y माइनस वी बराबर m का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और m कितना था यहां पर? माइनस टू वी अपॉन कैपिटल t इंटू स्मॉल t। तो ये वैल्यू आ गई
माइनस का 2v अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ध्यान रखना कैपिटल टी अलग है स्मॉल टी अलग है, फिर इसका गुणा अंदर करो तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, और 2v अपॉन कैपिटल टी, 2v अपॉन कैपिटल टी का गुणा टी बाई टू से, सभी बोर्ड पर देखना स्टूडेंट्स, टी और टी कट गया, टू और टू कट गया, तो वाई माइनस वी बराबर माइनस का 2v अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और यहां केवल और केवल प्लस v बचा, इस v को भी पक्षांतर कर दो, तो y बराबर माइनस का 2v अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इस v को जब पक्षांतर करोगे तो प्लस v में इधर से भी प्लस v होकर प्लस का 2v हो जाएगा, और ये अपने पास लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ये जो लाइन की इक्वेशन है, एक बात सोचो, मुझे इस बार इस लाइन पर भी क्या करना है, अवकलन, अवकलन करने का मतलब, अवकलन करने का मतलब मुझे चाहिए dy by dt। अब जब मैं dy by dt की बात करूंगा तो dy by dt पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें स्मॉल t है तो t के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1 बनेगी, और माइनस 2v अपॉन कैपिटल t ये कांस्टेंट रेट होगा, और जो t है t के सापेक्ष t का अवकलन 1, और 2v एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो किसी कांस्टेंट का 2 का अगर मैं अवकलन करूं या 2v का मैं अवकलन करूं t के सापेक्ष तो वैल्यू 0 होगी, तो प्लस 0। इसका मतलब dy by dt की वैल्यू माइनस का 2v अपॉन t होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप नोटिस करो, मैं लाइन की कंप्लीट इक्वेशन भी बनाऊं, मैं लाइन की कंप्लीट इक्वेशन भी बनाऊं और फिर अवकलन करूं तो भी स्टूडेंट्स आना क्या है, अल्टीमेटली स्लोप ही आना है। ध्यान दो, जो मैंने m का मान लिया था, देखो इधर m का मान इस पर कितना था, माइनस टू वी अपॉन टी, और यहां भी dy by dt कितना आ रहा है, माइनस टू वी अपॉन टी। इसलिए आपको मेरी एडवाइस है, आप कंप्लीट लाइन का समीकरण ना लिखकर केवल और केवल जब भी ऐसा ग्राफ देखते हैं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको केवल और केवल इसका स्लोप निकालना है, पॉजिटिव स्लोप, फिर इसका क्या निकालना है, निगेटिव स्लोप, फिर पॉजिटिव स्लोप, फिर निगेटिव स्लोप। और अब आप देख रहे हैं ये वेवफॉर्म बार बार रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, तो मेरे को पता चल चुका है पहले का पॉजिटिव स्लोप कितना था, 2v अपॉन कैपिटल t, इसी तरह इस हाफ पार्ट से यहां तक का स्लोप कितना था निगेटिव पर, माइनस 2v by t। मुझे दोनों से इंफॉर्मेशन क्या मिली समझना, मुझे पहले से इंफॉर्मेशन मिली कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 2v by t, इसी तरह डाउनवर्ड वाले का, डाउनवर्ड वाले का एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस 2v by कैपिटल t। और स्टूडेंट्स ये ग्राफ, ये ग्राफ अब आप समझ सकते हैं, देखिए इधर ये ग्राफ अब फिर से पॉजिटिव स्लोप पर चलेगा, फिर से मैं वही m निकालूंगा और उस m की वैल्यू कितनी आएगी, सेम 2v अपॉन कैपिटल t। तो मैं बार बार अब इसकी एनालिसिस नहीं करूंगा, मैंने एक हाफ ऑफ द पोर्शन, हाफ ऑफ द पोर्शन का कैलकुलेशन कर लिया है, बाकी बार बार रिपीट हो रही है वेवफॉर्म, राइट। तो स्टूडेंट्स ये बताना, मुझे ऐसा लगता था इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं लाइन इक्वेशन ना लिखकर सीधे क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, एम, और एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है स्लोप, प्रवणता, टेंजेंट जिसको आप जानते हैं। तो इसका मतलब पहली लाइन के लिए मुझे इसको नाम मैं दे सकता हूं एम वन, और अगर मैं इसका m1 नाम दे रहा हूं तो m1 का मतलब m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2v अपॉन कैपिटल t। इसी तरह अब मैं जब दूसरे वाले पर बात करूंगा तो इसको नाम दे सकते हैं m2, और m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2v अपॉन कैपिटल t, राइट। यहां पर जो m आप लिख रहे हो इस समय, ये वाला m क्या है आपके पास, m2, और ये मैं नीचे वाली लाइन पर लिख देता हूं बेटर रहेगा, दिस इज m2, और पहले वाले पर y बराबर mt पर कौन सा m लिखा है हमने, m1, राइट। ये मैंने रेड पेन से लिखा है ताकि आपको मेंशन रहे, पहले वाले पर पॉजिटिव स्लोप के लिए m1 धनात्मक, इसी तरह यहां निगेटिव स्लोप पर m2 क्या है स्टूडेंट्स, यहां भी आप लिख सकते हैं m2, m2 क्या है इस बार, ऋणात्मक, माइनस 2v अपॉन कैपिटल t। तो इसका मतलब है आपको स्टूडेंट इस ग्राफ से इस ग्राफ को बनाना समझ में आ गया होगा, राइट। हालांकि ध्यान देना एग्जाम में कहीं ये नहीं आएगा स्टूडेंट कि आप इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाकर दिखाओ, सिंपल लाइनों में पूछता है एक डिफरेंशिएटर सर्किट पर यदि इनपुट पर एक त्रिभुजाकार आकृति भेजी जा रही है
त्रिभुजाकार वेवफॉर्म भेजी जा रही है तो आउटपुट पर कैसी वेवफॉर्म मिलेगी? ऑप्शन होगा साइनोसोइडल, अगला होगा अर्ध तरंग दिष्टकारी वेवफॉर्म, अगला होगा स्क्वायर वेवफॉर्म, अगला कोई और ऑप्शन होगा, तो यहां या नन ऑफ दीज होगा। तो ये जो चार ऑप्शंस बनेंगे आपका इसमें आंसर होगा वर्गाकार आकृति स्क्वायर वेवफॉर्म। और इस बात को आप समझ गए होंगे कि ये वेवफॉर्म कैसे बनती है। यहां एक चीज और मेंशन करनी चाहिए मेरे को, ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, हमने डिजाइनिंग किससे की है? इनवर्टिंग एम्पलीफायर। इनवर्टिंग का मतलब हमारे पास जो आउटपुट एक्चुअल में आ रहा है वो आउटपुट माइनस के साथ आएगा, मतलब फेज शिफ्ट के साथ आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं आपसे बोल सकता हूं कि हमारे पास ये जो फाइनल वी नॉट दिखेगा, जो हमें दिखाई देगा, अब फाइनल वी नॉट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं उस वी नॉट की अब बात कर रहा हूं जो जो यहां पर मुझे मेंशन होगा, उसमें एक माइनस साइन 180 डिग्री की फेज शिफ्ट भी दिखाता है। तो अगर मैं उसको भी बनाना चाहूं, उसको भी बनाना चाहूं, तो मेरे को लगता है गुड मैनर में हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं कि यहां अगर मैं बोलूं आपसे कि आप इसको भी बनाकर दिखाएं, तो स्टूडेंट्स यहां मेरे पास आप समझना, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप था इंक्रीजिंग, तो यहां पर मेरे पास प्लस था, यहां डिक्रीजिंग तो यहां वैल्यू माइनस थी, फिर ये इंक्रीजिंग तो यहां वैल्यू प्लस थी, यहां डिक्रीजिंग तो ये वैल्यू माइनस थी। अब ग्राफ का नेचर समझना आप, अगर मैं ग्राफ के नेचर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, मुझे इसका माइनस खींचना है। माइनस का मतलब जैसा ये प्लस है वैसा ही अपोजिट, इस लाइन के अबाउट मिरर, इसका विपरीत। अगर मैं इसको नीचे देखूं, मिरर के फॉर्म में देखूं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास स्क्वायर पर पॉजिटिव पर दिख रहा था, ये अब निगेटिव पर दिखाई देगा। ऐसे ही निगेटिव वाला पोर्शन अब कहां दिखाई देगा मुझे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पर दिखाई देगा। और यहां मैं अगर फिर से बात करूं तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन मुझे फिर से कैसा दिखाई देगा, निगेटिव पर। और ये ग्राफ कंटिन्यूअस इसी तरह से चलता रहेगा, इस समय वेवफॉर्म कुछ इस तरह से मेरे पास प्रेजेंट होती जाएगी। अब इस वेवफॉर्म को आप समझ सकते हो, ये वाली जो फाइनल वी नॉट हमने खींचा है ये किस पर है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ग्रीन कलर से, ये जो वेवफॉर्म है अपने पास ये किसके साथ है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब है जो जैसा यहां पॉजिटिव दिख रहा है वैसा निगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब है इस समय यहां पर माइनस, यहां पर ये प्लस है, और ये वाला फिर माइनस, और ये माइनस का उल्टा ऊपर क्या चला गया, प्लस। तो इसका मतलब ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ ग्राफ दिखाई देगा स्टूडेंट्स इस तरह से। अदरवाइज हम जनरल फिगर की बात करें तो हमें एक त्रिभुजाकार आकृति से क्या मिलता है, स्क्वायर। और इसी स्क्वायर को अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ देखना है तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपके एग्जाम में दो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, नेटवर्क में भी जरूरत पड़ती है एलिमेंट्स पहचानने में। बोल देता है कि एक कैपेसिटर के क्रॉस आपने ये वेवफॉर्म भेजी है, बताओ कैपेसिटर के क्रॉस अगर ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है तो करंट वेवफॉर्म क्या होगी? तो करंट वेवफॉर्म के लिए आप क्या करते हैं, सी डीवीसी बाई डीटी, राइट। तो वहां पर भी आप डिफरेंशिएशन लगाते हैं और इस ग्राफ से इस ग्राफ को अचीव करते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस कॉन्सेप्ट को यहां से भी आप बहुत प्रॉपर वे में समझ सकते हो, इसलिए मैंने स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब करके बताया है, ताकि एक कम से कम एक ग्राफ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो दो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन क्या होंगे, पहला डिफरेंशिएटर सर्किट ये बनकर आएगा, पूछेगा ये किसका सर्किट है, तो आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएटर। दूसरा डिफरेंशिएटर पर बोला जाएगा कि इनपुट पर अगर आपने एक त्रिभुजाकार आकृति भेजी है तो आउटपुट पर कैसी वेवफॉर्म मिलेगी, तो आंसर क्या होगा, स्क्वायर, राइट। अब ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। अभी तक तो हम अवकलन देख रहे थे स्टूडेंट्स, अब मेरी रिक्वायरमेंट है समाकलन देखने की। और ये बात ध्यान रखें सभी लोग, मुझे स्टूडेंट्स ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, अगर आपने एक बार इसको अपने आप बनाकर देख लिया तो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा नेटवर्क पर भी और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर। ग्राफ से देखो, आगे हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां स्टूडेंट ग्राफिकल अप्रोच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे को लगता है ग्राफ से हम डरे नहीं, ग्राफ को देखें, एग्जीक्यूट करके बनाए, धीमे धीमे बनाए और पार्टीशन करके डिवाइड करते हुए बनाए, और इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। बहुत सिंपल वे में चीजें हैं स्टूडेंट्स, पहले केवल और केवल लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए, राइट। ओरिजिन पर y बराबर mx होता है,
मूल बिंदु से पास होने वाली लाइन का समीकरण, और यहां मैं बात कर रहा हूं दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन का समीकरण, वो कंप्लीट मैनर में दिस होता है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। चलो नेक्स्ट, गिव द हेडिंग ऑप एम एज एन डिफ्रेंसिएटर। तो अगर सॉरी ऑप एम एज एन इंटीग्रेटर, डिफ्रेंसिएटर हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें ऑप एम एज एन इंटीग्रेटर। ऑप एम को अगर हम लोग इंटीग्रेटर की तरह यूज करें तो इंटीग्रेटर पर कैसे फॉर्मेशन बनेगा, इस फिगर को रिकॉल रखना, ये डिफरेंशिएटर का था, इंटीग्रेटर में क्या चेंज हुआ समझेंगे। इंटीग्रेटर का मतलब है कि आप इंटीग्रेटर का मतलब है आप यहां पर जब भी इंटीग्रेटर का सिंपल सा मतलब है जब भी आप ऑप एम्प पर फीडबैक पर प्रतिरोध की जगह कैपेसिटर लगाएंगे और सीरीज में रजिस्टर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस वर्जन को हम इंटीग्रेटर बोलते हैं। यहां आउटपुट इनपुट का समाकलन देगा, इंटीग्रेशन देगा, और यह भी मैथमेटिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट हम लोग हैंडल करेंगे अब ऑप एम एज एन इंटीग्रेटर। डिफरेंशिएटर वर्जन हम पढ़ चुके हैं, बस स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएटर में जो बातें बता चुका हूं उन्हीं का यूज करके समराइज कर दूंगा, राइट। बहुत सिंपल है अब आपके लिए, ये आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, विद इन 5 to 10 minutes हम इसको भी समराइज कर ले जाएंगे। देखिए ऑप एम एज एन डिफरेंशिएटर का सॉरी इंटीग्रेटर का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम एज एन इंटीग्रेटर। याद रखना स्टूडेंट्स, अब मैं बात इंटीग्रेटर की कर रहा हूं, समाकलन करने वाले की, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर रखा है से दिस इज जीरो, इन्वर्टिंग पर इस बार प्रतिरोध ले रखा है दैट इज आर, फीडबैक पर आपने एक संधारित्र लगा रखा है जिसकी धारिता सी है, कैपेसिटर एक यूज कर रखा है, यहां इनपुट पर वी आई इनपुट वोल्टेज अज्यूम कर रखा है, राइट। देखो दोनों फिगर में फर्क क्या है, लास्ट वाला जो केस था स्टूडेंट्स, लास्ट वाले केस में क्या था, हमने इस सी को यहां लगाया था सीरीज में, और इस बार ये वाला सी फीडबैक पर है और सीरीज में प्रतिरोध है, बस इतना फर्क है। तो अगर मैं बात करूं आदर्श ऑप एम्प, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आदर्श ऑप एम्प पर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट, ओपन लूप गेन भी इनफाइनाइट। आप यह भी जानते हो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, और निगेटिव फीडबैक सिस्टम में हम इन्वर्टिंग पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर अभी भी कैसा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर मैं इन्वर्टिंग के साथ इसकी डिजाइनिंग को देखूं तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप सभी समझते हो, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि ऑप एम्प पर इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब है इनपुट टर्मिनल पर बनने वाला विभवांतर वी आई डी डिवाइड बाई इनपुट टर्मिनल पर जाने वाली करंट। आप जानते हैं अगर आरआई को इनफाइनाइट बनाना है तो यह अनंत तभी हो सकता है जब यहां से इनपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो समथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफाइनाइट। तो आई ऑफ आई का मतलब ऑप एम्प के टर्मिनल से इनसाइड जो करंट जाएगी वो कितनी है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होगी जीरो एम्पियर। दूसरा, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि ऑप एम्प पर ओपन लूप गेन, ऑप एम्प पर ओपन लूप गेन AOL कितना है, तो बताओ स्टूडेंट्स ओपन लूप गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज। याद रखना बिना फीडबैक का मतलब, ओपन लूप का मतलब विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक का मतलब टर्मिनल का, इनपुट पर टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड V0 अपॉन VID। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अगर मैं आपसे बोलूं कि VID का मान जीरो, तो VID का मान जीरो होने का मतलब AOL क्या बन जाएगा? अनंत। तभी तो AOL इनफाइनाइट बनेगा। और आप सभी जानते हो VID का मतलब है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज का मतलब है V प्लस से V माइनस का अंतर। तो VID बराबर जीरो का मतलब है नॉन इनवर्टिंग माइनस इनवर्टिंग बराबर जीरो, या हम बोल सकते हैं V प्लस बराबर V माइनस। इसी को बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक जितने एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं, आगे भी जो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस रिमेनिंग है उनको पढ़ेंगे, हर जगह स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, निगेटिव फीडबैक पर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है इस टर्मिनल का वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होना, और आप देख रहे हैं इस टर्मिनल का वोल्टेज जीरो है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। और अगर ये जीरो है, ऊपर भी जीरो वर्चुअली पहुंचेगा, आभासी, ध्यान रखना कोई फिजिकल वायर यहां पर कनेक्शन पर नहीं है, तो उस समय हम इसको बोलते हैं स्पेशल केस, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्चुअल ग्राउंड, राइट। तो यहां पर वर्चुअल शॉर्ट का स्पेशल केस क्या होगा? वर्चुअल ग्राउंड। अब वर्चुअल ग्राउंड पर इस पॉइंट पर बनने वाला वोल्टेज, अगर ये जीरो है स्टूडेंट्स, तो यहां का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। अब मैं बोलूं कि मुझे आउटपुट और इनपुट को लिंक करना है, तो स्टूडेंट आप सभी जानते हो आउटपुट और इनपुट को लिंक करने का मतलब मुझे यहां पर किरचॉफ धारा का नियम लगाना होगा। तो किरचॉफ धारा के नियम के लिए मैं क्या करता हूं, यहां अपनी तरफ से मैंने एक करंट एज्यूम कर ली I1, इसी तरह एक करंट मैंने ऊपर एज्यूम कर ली इस पॉइंट पर कैपेसिटर पर जाने वाली करंट IC, राइट। जहां से करंट इन कर रही है हियर टेक प्लस, जहां लीव कर रही है वहां माइनस, और कैपेसिटर पर बनने वाले वोल्टेज को मैं मान लेता हूं VC, राइट। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं अप्लाई KCL, क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? किरचॉफ धारा का नियम लगाने पर। तो किरचॉफ धारा के नियम को लगाने पर क्या वैल्यू आएगी, एक बार समझते हैं। इस पर्टिकुलर नोड पर देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली धारा मैंने I1 मान ली, ये भी बाहर की तरफ, ये वाली धारा भी इस इनवर्टिंग नोड से आउटपुट नोड पर बाहर की तरफ है, और ऑप एम्प के इनसाइड कोई करंट नहीं जा रही। इसका मतलब केवल दो धाराओं से हमें मतलब है। अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट इनवर्टिंग नोड। किस नोड पर हम लोग लगा रहे हैं? इनवर्टिंग पर। अगर मैं इनवर्टिंग नोड की बात करूं, तो इनवर्टिंग नोड पर अगर मैं KCL लगाऊं, तो एक करंट I1 दिस साइड, एक करंट IC दिस साइड, तो I1 प्लस IC बराबर जीरो होगा। अब समझे स्टूडेंट्स, I1 का मतलब है इस नोड से इस नोड पर, तो इस नोड का वोल्टेज है जीरो, और यहां पर प्रतिरोध है R। इस नोड का वोल्टेज इनपुट का कितना है? VI। आप सभी जानते हो अगर मैं यहां करंट की वैल्यू आपसे पूछूं, तो यहां बताइए I1 का मान आप क्या लिख सकते हो? I1 बराबर धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, जीरो माइनस VI अपॉन R। तो यहां स्टूडेंट्स अपने पास I1 की वैल्यू हो गई जीरो माइनस VI अपॉन पर R प्लस। अब मैं बात कर रहा हूं IC की। देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर पर बनने वाली करंट, मैंने पिछले बार भी आपको जस्ट बताया था कि कैपेसिटर पर बनने वाली करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं CdVC/dt बराबर जीरो। संधारित पर धारा क्या बनेगी? CdV/dt। संधारित पर बनने वाला वोल्टेज अगर VC है, तो CdVC/dt। अब जरा समझना, अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं, तो VI/R बराबर CdVC/dt हो जाएगा, राइट। CdVC/dt बराबर VI/R, क्लियर। अब इसके बाद अगर मेरे पास VC का मान मैं देखूं, एक बात स्टूडेंट सभी लोग समझना, मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट को मुझे यहां डिस्कस करना चाहिए। देखो इधर, इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज है जीरो वोल्ट। सभी लोग बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, पहले बोर्ड पर वॉच करिए स्टूडेंट्स, ये क्रूशियल पॉइंट है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। इस नोड का वोल्टेज जीरो है, ठीक है। इसके बाद यहां जो कैपेसिटर हमने ले रखा था सी,
जिसका धारिता सी थी, ये वी नॉट है और मैं यहां से करंट लिख रहा था, जरा समझना सभी। हाँ बताओ, करंट इंटर यहां से कर रही, मैंने ये प्लस माना, ये माइनस माना और ये वीसी माना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीमीटर कॉन्सेप्ट से, मैं बोलूं कि जीरो और वी नॉट में क्या रिलेशन है, तो आप मुझे बता सकते हो मल्टीमीटर से मैंने रेड यहां लगाया, ब्लैक यहां लगाया, स्टूडेंट रेड यहां ब्लैक यहां, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या मिलेगा, जीरो से वी नॉट का अंतर बीच वाला वोल्टेज। और मैं चल यहां से रहा हूं क्योंकि मैंने जीरो से वी नॉट को घटाया है, तो चलते हुए पहला साइन प्लस, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, जीरो माइनस वी नॉट बराबर चलते हुए पहला साइन प्लस वीसी। तो बताइए क्या वीसी बराबर माइनस का वी नॉट आ गया, इसका मतलब है ये वैल्यू मुझे यहां पुट करनी चाहिए। अगर मैं इसको पुट करूं तो देखो वी आई अपॉन आर, अच्छा ये स्टेप तो समझ गए ना, वी आई बाई आर को मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, दिस साइड ले गया और सी डीवीसी बाई डीटी दिस साइड है, तो यहां पर वी आई बाई आर बराबर सी डी बाई डीटी। हां बताइए वीसी का मान यहां से क्या दिख रहा है अब आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज को कैपेसिटर के वोल्टेज के साथ रिलेट करना है, इसलिए स्टूडेंट ऐसा लिखा हमने। और ये कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, अगर इससे इसका अंतर ले रहे हैं तो चलते हुए पहला साइन दिस, अच्छा उल्टा लिखते। हाँ एक चीज और, किसी के मन में ऐसा आ रहा हो कि नहीं सर मैं तो इससे इसको घटाना चाहता था, घटा लो। अगर मैं वी नॉट से जीरो को घटाऊं, वी नॉट माइनस जीरो, हाँ बोलो, अब जब मैं वी नॉट से जीरो को घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन मुझे क्या दिखेगा, माइनस या प्लस। मैं वी नॉट से अगर जीरो को घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन माइनस, तो वी नॉट माइनस जीरो बराबर माइनस का वीसी। या मैं बोल सकता हूं फिर से साइन बदल दूं तो वीसी बराबर माइनस वी नॉट, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट। आप इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को घटा सकते हैं या इस टर्मिनल के वोल्टेज से इस टर्मिनल के वोल्टेज को घटा सकते हैं, लेकिन याद रखें जब आप इस नोड से इस नोड वोल्टेज को घटाएंगे तो चलते हुए पहला साइन दिस, और आप इस नोड से इस नोड के वोल्टेज को घटाएंगे तो चलते हुए पहला साइन दिस, राइट। और करंट जिस डायरेक्शन में लिखते हैं, करंट बताएगी पैसिव एलिमेंट पर कि करंट इंटरिंग द ब्रांच टेकन एज प्लस, लीविंग द ब्रांच टेकन एज माइनस, राइट, केवल इतना फर्क है, राइट। चलो अब यहां पर वीसी का मान मुझे क्या लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस का वी नॉट। अब आप सभी जानते हो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो वी आई अपॉन आर बराबर माइनस का सी डी वी नॉट बाई डी टी। अगर मैं स्टूडेंट माइनस सी को भी दिस साइड ले जाऊं तो देखो माइनस का वन अपॉन आर सी, माइनस इस साइड सी नीचे ले गए, इंटू वी आई बराबर डी वी नॉट बाई डी टी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं डी टी भी इधर ले जाओ, डी वी नॉट पहले मैं इसको लिख रहा हूं बराबर में माइनस का वन अपॉन आर सी वी आई और डी टी इधर ले गए, राइट। केवल ऐसा किया है कि इसको दिस साइड लिख लिया, इसको दिस साइड लिख लिया। अब देखो जरा ये डी वी नॉट है, अगर मैं दोनों पक्षों पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों पक्षों पर इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, डीवी नॉट खत्म हो जाएगा, डीवी नॉट खत्म होकर क्या बन जाएगा, केवल वी नॉट बराबर माइनस एक बटे आर सी, माइनस का वन अपॉन आर सी और वी आई डी टी। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, आर सी डिजाइनर फिक्स कर चुका होगा, तो आर की वैल्यू और सी की वैल्यू तो फिक्स है, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट है, लेकिन वी आई हमारे पास वेरिएबल है, इसका मतलब माइनस वन अपॉन आर सी वी आई डी टी का इंटीग्रेशन, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं किसी आर सी सर्किट का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है टाऊ बराबर टाइम कॉन्स्टेंट, और इस टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू tau बराबर R equivalent into C, that is RC, और इसकी यूनिट होगी सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं यहां इसको रिप्लेस करके लिखूं तो V नॉट बराबर माइनस का वन अपॉन tau इंटीग्रल ऑफ वी आई डी टी। अब आप सभी जानते हो tau अगर कॉन्स्टेंट है तो बताओ क्या स्टूडेंट मैं बोल सकता हूं आउटपुट समानुपाते है, V नॉट प्रोपोर्शनल, बी क्लियर, V नॉट प्रोपोर्शनल है इंटीग्रल ऑफ वी आई डी टी, दैट इज द लॉजिकल पॉइंट। इसका मतलब इस बार
संधारित्र फीडबैक में लगाने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, फीडबैक में संधारित्र लगाने से ये इनपुट का समाकलन करके देने लगा, जबकि पहले क्या दे रहा था ये इनपुट का अवकलन। तो जब भी आप इस कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएटर बनेगा, और जब भी आप कैपेसिटर को फीडबैक में लगाएंगे तो ये इंटीग्रेटर की तरह व्यवहार करेगा, ये प्रूफ होकर आ रहा है, राइट। माइनस साइन यहां पर फिर से क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, क्योंकि आपने इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से बनाया है। फिर से वापस अगर आप इसका फेज शिफ्ट हटाना चाहते हैं तो एक इसके आगे आपको क्या जोड़ना होगा स्टूडेंट्स, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो कि फीडबैक रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखता हो, ताकि माइनस माइनस कट करके वो फेज शिफ्ट को खत्म कर दे। मेरी बात क्लियर हो रही होगी, पिछले केस में ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलो अब एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती और उस स्क्वायर वेव फॉर्म का आपको आउटपुट ड्रा करने को बोला जाता, तो स्क्वायर वेव फॉर्म का आउटपुट कैसा होता, राइट। तो मैं स्टूडेंट्स यहां स्टार्ट करता हूं, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। साइन का जैसा मैं पहले बता चुका हूं, तो साइन का आंसर हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस, और साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ भी आपको पता है स्टूडेंट्स, तो मैं अब फिर से नहीं बताऊंगा यहां पर, राइट। मुझे ऐसा लगता है फिर से अपने को बताने की जरूरत नहीं है, एक बार ट्रायंगुलर वेव फॉर्म समझाने के लिए मैं आपको जरूर बता रहा हूं, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होने चाहिए। चलो अगर मैं बोलूं, देखो इधर केवल ग्राफिकल अप्रोच इसलिए है स्टूडेंट्स कि आपको सिंगल लाइन पर, अब आंसर दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि ग्राफिकल एनालिसिस कैसे हो रही है, ठीक है। एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, लेकिन गुड फॉर्म में मैंने आपको डिफरेंशिएटर में इसका कंप्लीट लॉजिक बता दिया है, ठीक है। अब आप इंटीग्रेटर पर, ठीक है, इंटीग्रेटर पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है आपके पास, और अब आपको इनपुट वेवफॉर्म से आउटपुट वेवफॉर्म खींचनी है, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी दिखाई देगी, इसका नेचर पूछेगा आपसे हमेशा, क्या पूछता है, नेचर। तो देखिए इसका नेचर हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसके नेचर का मतलब है क्वेश्चंस पर मुझे स्टूडेंट्स, मैं इसका अगर नेचर की बात करूं तो आप सिंपल वे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, देखो एक एक करके। मान लीजिए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर दिस इज इन्वर्टिंग दिस इज नॉन इन्वर्टिंग, यहां आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, राइट। इन्वर्टिंग पर एक प्रतिरोध लगाया गया है और फीडबैक पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटर, और यहां नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, यहां वी ऑफ आई है, दिस इज सी है। अब किया क्या गया, एग्जामिनर ने आपसे बोला कि आर का मान, ये समझाने के लिए मैंने कुछ मान लिया, एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछेगा इनपुट पर ये दिया आउटपुट पर क्या मिलेगा, राइट, लेकिन मैंने समझाने के लिए ले लिया, आर बराबर 1 मेगा ओम, सी बराबर 1 माइक्रोफेरेड, वी इनपुट अगर आपके पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म है स्टूडेंट्स, वी इनपुट अगर आपके पास एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, वी इनपुट अगर एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, राइट, तो आपके पास आउटपुट पर कैसी वेव फॉर्म मिलने वाली है, ये आपसे पूछा गया है, ये कोई स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये इनपुट पर भेजी गई है, तो आउटपुट की वेव फॉर्म कैसी होगी। चलो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अभी अपन ने एक डेरिवेशन किया, वी नॉट की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आ रही थी, माइनस का 1/RC इंटीग्रल ऑफ VI/dt, ठीक है। चलो इधर देखो, माइनस का 1/R का मतलब कितना दिया है, मेगा ओम, 1 मेगा ओम इंटू 1 मेगा ओम के बाद बोला गया C का मान है 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ VI/dt। एक बात बताओ, मेगा और माइक्रो तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली माइनस इंटीग्रल ऑफ VI/dt, ये मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आनी चाहिए, क्लियर। अब मैंने आपको यहां जो स्ट्रक्चर लिया है स्टूडेंट्स, ये क्या लिया, एक वर्गाकार स्क्वायर वेव फॉर्म, अब सभी समझना, अब मेरे को मतलब नहीं है एम्पलीट्यूड और बाकी स्लोप, अब मैं इतनी बातें नहीं डिस्कस करूंगा, एक बार मैंने डिफरेंशिएटर में सब कुछ बता दिया,
अब मेरे को केवल ग्राफ के नेचर से मतलब है, एक एक करके समझना। मान लो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला, मान लीजिए मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला कि आपके पास इनपुट पर ये कोई स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसको प्रॉपर मैं थोड़ा सा बना रहा हूं समझने के लिए आपको, राइट। देखो स्टूडेंट्स, इनपुट पर एक स्क्वायर वेव फॉर्म है लाइक दिस, बहुत इजी वे में समझना, ये इनपुट पर कोई स्क्वायर वेव फॉर्म है जिसकी अपन ने दो साइकिल ले रखी है, ठीक है। ये एक वर्गाकार आकृति है और इस वर्गाकार आकृति का ये कोई इनपुट अप्लाई है। अब इसका मुझे आउटपुट खींचना है, ठीक है। तो एक जो अपने पास इंटीग्रेटर होगा, ये इंटीग्रेटर आउटपुट पर क्या करेगा जरा समझना, ये वेवफॉर्म्स को कैसा बनाएगा, इंटीग्रेटर इंटीग्रेट करके वेवफॉर्म किस तरह से बनाएगा ये हम देखते हैं। इससे पहले मैं डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, सो दैट वेवफॉर्म बनाने पर हमको क्लियरेंस बनी रहे, वेवफॉर्म बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। यहां से दिस इज जीरो, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं टी हाफ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया टी, इस पॉइंट को हम फिर से बोल सकते हैं 3t/2 और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 2t एंड सो ऑन, राइट। अभी मैंने टू साइकिल्स लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे स्टूडेंट्स यहां इस पर चेक करना है, इस पर चेक करना है कि मेरे पास ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको लास्ट बताया था, जब भी आप इधर बोर्ड पर देखो, सब केवल और केवल बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, केवल बोर्ड पर लिखना बंद करो, इधर देखो आप, बुक फॉर्म में समझना है चीजों को। अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ था, है ना, ये कोई मेरे पास लाइन था पॉजिटिव स्लोप का, वाई बराबर एम एक्स पर पॉजिटिव स्लोप लाइन थी, तो इसका इसका अवकलन कैसा होकर आ रहा था स्टूडेंट्स, अवकलन का मतलब था एक एम कांस्टेंट लाइन लाइक दिस, राइट। अवकलन होकर ये दिस बन गया था। उल्टा सोचना आप जरा, बहुत गुड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका अपोजिट सोचूं, मतलब मैं इस वेव फॉर्म से अगर मैं इसका समाकलन कर दूं, इसका क्या कर रहे थे अवकलन, इसका मैं ऐसा बोलूं, देखो पहले हमने क्या किया था, डी बाई डी एक्स किया था, राइट, और इस बार मैं बोलूं इंटीग्रल ऑफ डीएक्स कर रहे हैं, मतलब समाकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करेंगे तो ऐसा वेवफॉर्म, और इस वेवफॉर्म का अगर मैं समाकलन कर दूं तो क्या उल्टा ऐसा नहीं मिल जाएगा, इसका मतलब जो यहां मैग्नीट्यूड था उतनी स्लोप का मेरे पास पॉजिटिव स्लोप का ऐसा सिग्नल मिल जाएगा। उल्टा सोचो जरा, अगर ऐसा होता, इधर देखो, अगर मेरे पास कोई निगेटिव, कोई मेरे पास निगेटिव स्लोप सिग्नल होता, कोई निगेटिव स्लोप का मतलब, निगेटिव स्लोप का मतलब से दिस इज वाई दिस इज एक्स, ये कोई निगेटिव स्लोप सिग्नल है, तो वाई बराबर मेरे पास माइनस एम एक्स वैल्यू आ रही होती। माइनस एम का मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर एम यहां निगेटिव पर वैल्यू है, मतलब मान लो मेरे पास माइनस टू एक्स है, तो अगर ये वैल्यू माइनस टू एक्स है, कंपेयर करना, मैं वाई बराबर माइनस एम एक्स क्यों लिख रहा हूं, माइनस टू एक्स के लिए, तो माइनस टू एक्स का मतलब लाइक दिस। और इसके लिए जब मैं इसका अवकलन कर रहा था स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ग्राफ कैसा आ रहा था, मैंने आपको बताया था, अब ग्राफ का नेचर मेरे पास निगेटिव स्लोप की वजह से ये निगेटिव कुछ एम्पलीट्यूड दे देगा, स्लोप ही इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करेगा, तो ये माइनस एम था। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने जब इस वेवफॉर्म पर क्या किया, डी बाई डी एक्स, तो ऐसी वेवफॉर्म मिली, और इस वेवफॉर्म को अगर आप इंटीग्रेट करते, समाकलन करते, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स करते, तो बताओ स्टूडेंट्स इंटीग्रल करने पर ये माइनस निगेटिव पर जो लाइन है, क्या ये एक निगेटिव स्लोप नहीं दे देती, तो इसका मतलब है आप इस ग्राफ से चीजों को बहुत आसानी वे में समझ सकते हो, केवल आप देखना साइन का कन्वेंशन। ये बातें मैं लास्ट डिफरेंशिएटर में प्रॉपर डिस्कस कर चुका हूं, लाइन की इक्वेशन और सब कुछ लिखकर। अभी बस हमें क्या करना है, ग्राफ का नेचर समझना है। समझो जरा, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो लाइन थी, ये कैसी बन रही थी, ये लाइन एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड लाइन बन गई थी। ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बना था, उल्टा सोचो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का समाकलन,
क्या फिर से पॉजिटिव स्लोप नहीं हो जाएगा अगर m पॉजिटिव है? इसका मतलब अगर यहां प्लस है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो बहुत सिंपल वे में सोचो स्टूडेंट्स, प्लस का मतलब एक रैंप सिग्नल मिलेगा और ये रैंप सिग्नल कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप। ये किस स्लोप का होगा? पॉजिटिव स्लोप। फिर देखो ये नीचे माइनस है, अगर माइनस है इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये किस स्लोप का मिल रहा होगा? पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, बोलो। अगर ये माइनस है स्टूडेंट तो इसका मतलब है मस्ट है कैसा? निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। अब ये जब निगेटिव स्लोप मिला, फिर वापस देखो, फिर से क्या मिला? ऊपर अपवर्ड प्लस मिल रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड का मतलब ये फिर से किस स्लोप का होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। फिर से आपने पॉजिटिव स्लोप को खींचा और इस पॉजिटिव स्लोप के बाद फिर सोचो स्टूडेंट्स ये कैसा मिल रहा है? निगेटिव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर मुझे कैसा मिलेगा यहां पर? निगेटिव। सो इसका मतलब है निगेटिव एम्पलीट्यूड यहां पर फिर से क्या दिखाएगा? एक निगेटिव स्लोप। आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये ग्राफ स्क्वायर से एक त्रिभुजाकार आकृति में नहीं बदल गया? तो इसका मतलब है जब भी आपको इनपुट पर एक वर्गाकार आकृति दी जाएगी तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? त्रिभुजाकार आकृति। ये आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मान लो किसी को लगता है कि सर ये माइनस भी तो आ रहा था, अभी तो आपने केवल क्या किया? इंटीग्रल ऑफ वीआई डीटी खींच दिया। अभी जो ग्राफ आपने खींचा ये इंटीग्रल ऑफ वीआई डीटी है, लेकिन मेरे को तो वी नॉट चाहिए था माइनस साइन वाला भी। तो अगर माइनस साइन वाला भी देखना चाहते हो तो इस ग्राफ को मैं फिर से बनाता हूं स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूंगा जो फेस शिफ्ट के साथ हम दिखाएंगे, फेस शिफ्ट के साथ दिखाने का मतलब समझना जरा, फेस शिफ्ट के साथ दिखाने का मतलब, जी बोलिए, माइनस साइन का मतलब, माइनस का मतलब आप सभी जानते हो 180 डिग्री फेस शिफ्ट, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। इसका मतलब है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इंटीग्रल ऑफ, सॉरी यहां पर इंटीग्रल ऑफ वीआई डीटी था, वीआई डीटी, सॉरी ये दिस था। अब मैं बोल रहा हूं इंटीग्रल ऑफ वीआई डीटी का भी माइनस बना दो, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं समझना, इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉपर वी नॉट। तो ये जो वी नॉट आया इसमें माइनस 180 डिग्री का मतलब है मुझे क्या करना होगा? यहां पर ध्यान दो, ये अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड है तो मुझे इस ग्राफ को अब कैसा बनाना होगा? ये जैसा अपवर्ड है वैसा ही मिरर इमेज, दर्पण पर मिरर इमेज इस एक्सिस के अराउंड। तो जैसा ये पॉजिटिव जा रहा था वैसे ही कैसा जाएगा स्लोप? पॉजिटिव की जगह स्टूडेंट बोलो जल्दी, ये निगेटिव स्लोप, ये निगेटिव स्लोप में दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास ये स्टूडेंट्स क्या हो रहा था? घट रहा था, अब ये क्या होगा? इस पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट होगा लाइक दिस। अगेन समझना, फिर से स्टूडेंट्स लाइक ये दिस हुआ, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? लाइक दिस आएगा। फिर इसका भी मिरर इमेज क्या होगा? लाइक दिस होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये जो ग्राफ 180 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ आएगा उसका नेचर लाइक दिस होगा। ये स्ट्रक्चर भी कैसा है? त्रिभुजाकार आकृति, केवल और केवल 180 डिग्री। ये किसके साथ है? 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स ये ग्राफ भी अपने को क्लियर होना चाहिए। क्लियर? मैंने क्या किया, केवल यहां पर एक स्क्वायर वेवफॉर्म को ट्रेंगुलर में कन्वर्ट करना बताया, और मैंने पिछले बार लाइन की इक्वेशन कहो तो स्टूडेंट्स यहां पर vi और फिर इसकी लिमिट क्या होगी? 0 से t/2 समाकलन करो, और समाकलन करके लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा चीजें। अब आपको ग्राफ कन्वर्ट करना आना चाहिए कि इस ग्राफ से ये ग्राफ कैसे आया और ये 180 डिग्री की फेस शिफ्ट कैसे आई, क्योंकि डिफरेंशिएटर मैं आपको एक प्रॉपर वे में गुड मैनर में बता चुका हूं, राइट? तो ये ग्राफिकल एनालिसिस अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बात और, जैसे मैंने बोला कि साइन का, तो साइन का कॉस हो जाएगा माइनस पर, इंटीग्रल फॉर्म है, राइट? और माइनस कॉस पर अगर एक और माइनस बाहर साइन होगा तो प्लस कॉस हो जाएगा। तो वो ग्राफ भी मैं आपको बता चुका हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि इसको रिपीट करना चाहिए। तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? ऑप एम्प एज एन इंटीग्रेटर और ऑप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर, दो बातें मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और इसके बाद अब जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के बाद मैं मल्टीप्लायर, डिवाइडर, लॉग, एंटी लॉग नेक्स्ट सेक्शन पर कंप्लीट कर दूंगा, जिसके द्वारा हम ऑप एम्प पर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था एडर की, मैं बात कर रहा था सब्ट्रैक्टर की, मैं बात कर रहा था आपसे
डिफरेंशिएशन की, मैं बात कर रहा था इंटीग्रेशन की, मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने की, मैं बात कर रहा था डिवाइड करने की, मैं बात कर रहा था लॉग की, मैं बात कर रहा था एंटी लॉग की। तो स्टूडेंट ये सारे सेक्शंस हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इन सेक्शंस के बाद मुझे ऑपएम्प के एक्चुअल डायग्राम्स पर आना है स्टूडेंट्स, राइट। ऑपएम्प की अभी तक हमने तीन ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और गेन। इसके बाद की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हमें इसके बाद स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर थोड़ा लॉन्ग कर रखा था, क्योंकि याद रखें लेक्चर्स की विड्थ मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा। अगर टॉपिक छोटा होगा तो मैं उसको छोटे पर समराइज करूंगा, और अगर टॉपिक थोड़ा लेंदी होगा तो मुझे स्टूडेंट्स लेक्चर की विड्थ बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं एक लेक्चर पर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट हो, राइट। ये एक गुड मैनर में आप पढ़ चुके हो। इसके बाद याद रखना, नेक्स्ट क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।